एवरीवन, वेलकम। ये है हमारा अमेजिंग शो जहां पे हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, खास करके जो हिंदुस्तान में रहते हैं और जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इश्यूज हम डिस्कस करते हैं ताकि इनको हम थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दें, ताकि हमें और समझ में आए अगर ऐसा कुछ इश्यू है जिसको लेके हमें कंफ्यूजन है, या फिर ऐसा कोई इश्यू है जहां पे हमें कुछ उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसकी वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं। मैं चाहता हूं यहां पे एक सेफ स्पेस जहां पे हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ताकि जो जो वो टबू सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो जो सब्जेक्ट्स आपको डराते हैं या फिर आप उनको अवॉइड करते हैं, उनको हम अवॉइड अब से ना करें, इनफैक्ट उनको हेड ऑन टैकल करें, ताकि वो एक पावर हमारे अंदर में पैदा हो जहां पे हम सबके साथ प्यार से बढ़ सकें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड एंजॉयिंग the show for so many days, and now I'm going to be introducing a special guest. मेरे पास एक special guest है जो वो एक ऐसे शख्स हैं जो disability के साथ जीते हैं हिंदुस्तान में आज, तो I thought it was a very important thing कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें उनकी उनके life के बारे में समझना चाहिए, शायद उसके जरिए हम उनकी आंखों के जरिए हम हिंदुस्तान को देखें और शायद maybe there'll be a way of us understanding a bit better about people living with disabilities in India today. So guys, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ मेरे बारे में। मेरी सिस्टर जो है वो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो मेरे से 5 साल बड़ी हैं, वो व्हीलचेयर में होती हैं हमेशा, और उनकी जो जैसे मेंटल एज है वो है अराउंड 5-6 years old, तो वो बच्ची ही है तब जब से जन्मी है, मतलब वो 5 साल की उम्र से ज्यादा वो बड़ी नहीं है मेंटली, पर फिजिकली शी इज ओल्डर देन मी 5 years। बहुत खुश रहती है ऑल द टाइम, एंड जो हम बहुत लकी हैं, वो बहुत फैशनेबल है, वो हॉर्स राइडिंग जाती है, स्विमिंग जाती है, मतलब बहुत कुछ उनकी लाइफ में है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ अपने आप को कि हम यूके में जन्मे पले हैं, तो आई थिंक जो मेरी सिस्टर उनकी लाइफ बहुत फुल है, पर आई गेस जहां तक मैंने समझा है, देखा है, जिस तरीके से शायद पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज जो इंडिया में हैं उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, उनको एक किस्म से समझा नहीं जाता है अलग अलग कारणों से, तो आई फेल्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जहां पे हम एक दूसरे के साथ ये बात कर सकें खुले में और एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को देखोगे जिनके पास डिसेबिलिटी है किस तरह की, इनफैक्ट मैं डिसेबिलिटी का जो ये एक डिसेबिलिटी का जो कॉनोटेशन है मुझे वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आई थिंक दैट अगर आप सोचें कि कोई डिसेबल्ड है, मैं सोचता हूं कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब वो भी एबल्ड हैं, वो अलग तरीके से एबल्ड हैं, तो आई वुड लाइक टू कीप दैट एज माय थिंग दैट इट्स अबाउट पीपल हु हैव डिफरेंट एबिलिटीज फ्रॉम अस, एंड दैट होपफुली दिस विल शाइन अ लिटिल लाइट ऑन देयर लाइव्स, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को मिलते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, आप उनको एक ऐसे नजरिए से देखें, एक प्यार के नजरिए से, एक समझ, गिव देम अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेक देम कंफर्टेबल। आई एम नॉट सेइंग कि मेक देम फील स्पेशल, दे आर जस्ट ह्यूमंस लाइक वी आर, सो यू नो आई एम अ ह्यूमन, ही इज अ ह्यूमन, शी इज अ ह्यूमन, यू नो एवरीवन्स अ ह्यूमन, वी आर ऑल द सेम, एंड वी आर जस्ट डिफरेंटली एबल्ड, and that's why I want to spread the love out there. So guys, I'm going to first introduce, I have two people with me today, I have Vaishali and I have Shayash. I'm going to introduce you to, pehle Shayash aayenge, unki baat hum achi tarah se sunenge, unki life ki story, unke jo experiences rahe hain, let's ask him directly, please welcome Shayash. Hi, welcome. Yes sir, hi. How are you? Fine sir. I'm very very happy that you're fine. I think आपने एक live feed में आप आए थे, live stream में आए थे मेरे साथ, और आपने वहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी थी। In fact आपने एक topic, ये topic का जो idea था, ये topic आपका था actually, right? हाँ
आपने सजेस्ट किया था मुझे कि मैं चाहता हूं कि यू नो कि आप ये डिसेबिलिटी के ऊपर, आपने बोला था डिसेबिलिटी के ऊपर कुछ ना कुछ बोलें, तो मैंने वहां से ये बात पकड़ी और आई थॉट कि श्रेयस आप अपनी बात खुद रखो, आप हमें एक नजरिया दिखाओ कि आप अपनी लाइफ कैसे जीते हो हिंदुस्तान में, आपको कैसे लोग ट्रीट करते हो, आप कुछ स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो जहां पे हम आपको अच्छी तरह से समझ सकें आपके व्यूज को. सो लेट्स टॉक श्रेष्ठ, तो आप लाइक यू ग्रो अप विद डिसेबिलिटीज, क्या आप बचपन से डिसेबिलिटीज के साथ यू नो did you grow up with disabilities? Yes sir, I was born with cerebral palsy, CP, but okay, it is minor cerebral palsy. So usme aisa tha ki mera jo right hand hai aur right leg hai wo weak hai thoda, matlab it is like this, matlab thoda gripping mein dikkat hai, चीज़ों को उठाने में दिक्कत है और भी कई सारी. और जो राइट लेग है उसको मैं सीधा रख नहीं पाता, मतलब इट इज ऑलवेज टेढ़ा, मतलब जो चलते ना आम लोग वैसा नहीं, मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ मतलब. और तीसरी बात ये है कि ये जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन वो भी बेंड है, इट इज नॉट स्ट्रेट. ये तीनों चीजें हैं, ऊपर से जो बोलने का है तो बोलने से आपको समझ आ रहा होगा, तो आवाज उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है जितनी आप लोग की है, पर वो मैंने स्पीच थेरेपी ली थी तो पहले मैं कैसे बात करता था, क क क ऐसे बात करता था पहले, पर अब मैं लगातार बोल लेता हूँ क्योंकि मैंने स्पीच थेरेपी ली और वो अच्छे से काम की, तो दैट इज गुड. और एक और चीज़ है सर, मेरे को क्या है, आवाज़ से दिक्कत है, अगर लाउड नॉइज आई जैसे कि दिवाली होता है तो दिवाली में भी बैंड बज जाती है, क्योंकि इतने फटाके फूटते हैं कि आने लगे ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे को आवाज़ सही नहीं होती. अगर मैं खाना खा रहा हूँ दिवाली के दिन तो मेरे खाना गिर जाता है, मैं पानी नहीं पी पाता दिवाली. और ये थी दिवाली की बात नहीं है, जैसे मैंने हैंग आउट करने गया, मैं कहीं अपनी दोस्त लोग हैंग आउट किया तो वहाँ पर अचानक से आवाज़ आई तो मैं डर गया. अब दोस्त लोग देखो सर, दो तरह के लोग होते, एक लोग जो होते वो समझते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है उसके साथ तो वो लोग इग्नोर करते, पर दूसरे टाइप के लोग होते ना, दे लाफ अबाउट इट कि अरे ये डर गया, ओह माय गॉड ये डर गया, हा हा हा. और वो चीज से आपको इतना इरिटेशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर होता है डायरेक्ट डाउन, कि मतलब अब तो कुछ है नहीं अब तो. और वो डर के कारण बहुत सारे तक मैंने अपने आप को बंद कर दिया था कि मेरे को नहीं जाना कुछ, क्योंकि मैं जाता हूँ तो लोग, मैं डर जाऊँगा तो लोग हंसेंगे, तो मैं घर में रहूँ, भले ही मेरे को घर में रहना अच्छा नहीं लगता, पर इससे तो बेटर है ना, इससे तो बेटर है कि नहीं. और तो आप बेसिकली फील करते हो कि जो आपकी जो जो फीलिंग्स है वो बहुत हर्ट होती है जब कोई आपके ऊपर ऐसे हंसते हैं या फिर आपके साथ वो समझ नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि उनकी समझ के बाहर है शायद. हाँ सर, वो लोग हमेशा ये चीज बोलते कि तू क्यों डर गया, और व्हाट डू यू मीन बाय डैड क्यों डर गया. मैं आपको बोलूँ क्या कि आप क्यों खाना खाते हो, आप क्यों पानी पीते हो, मैं बोलूँ वो मेरा बॉडी का रिएक्शन है क्योंकि मैं डर गया. और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि तू सीधा क्यों नहीं चलता. और सर एक और चीज़ है, लोग बोलते हैं कि तू कोशिश नहीं करता सीधा चलने की. अरे भाई मेरा तो नेचुरल साइड है चलने का, अब आप लोग का साइड सीधा चलने का है, तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग टेढ़ा चलो तो आप लोग चल पाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो मेरा तो साइड है टेढ़ा चलने का, तो आप मेरे को बोलोगे सीधा चलने, तो मेरे बाँव में दुख दर्द होता है, सेट होता है, तो कहाँ से हो पाएगा.
आई थिंक श्रेयस, आई थिंक जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, और आई थिंक ये जो लोग ना समझ है इन इन चीजों में, उनको नहीं पता है, तो शायद इसी ये मौका है हमारे पास उनको ये बातें समझाने का कि आप जैसे चलते हो उसका भी कारण है, आप जैसे चलते हो वो भी आपका एक, या इतना आप कर लेते हो वो भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, आप इतने स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला है कि आपने स्पीच थेरेपी ली है और अब आप अच्छे से बोलते हो, हमें सब कुछ समझ आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है श्रेयस। तो आप हमेशा एक, अगर मैं आपकी मन की, मतलब ये आपका कॉन्शियंस की आवाज बन सकता हूं ना नेक्स्ट टाइम, के अगर कोई भी आपको ऐसे हंसे या आपको नहीं समझ पाए, मेरी आवाज आप सुनो और समझो कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे आके हमारे साथ बात की है, एक दूसरी बात है जिस तरीके से इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मुझे पता है कि वो कितना काम लगता है उसके लिए आपके लिए। तो आई थिंक पीपल आउट देयर शुड अंडरस्टैंड दैट एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ सम complications at birth or whatever, the disabilities जो हुई हैं वो उनके कारण से आपका चलना अलग है, आपका जैसे बोला अपना hand grip अलग है, आपके बोलने का तरीका अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। I think this is very important. There's nothing wrong with this, and I'm glad that you're here talking about it. But what I want to ask you is, जब कोई किसी ने आपके ऊपर कभी बुलिंग, रैगिंग ऐसे कुछ करने की कोशिश की है? बुलिंग और रैगिंग तो नहीं बोलूंगा, वो तो मेरे साथ नहीं हुआ है, पर मतलब छोटी छोटी चीजें हुई है, जैसे जैसे मैम लोग कभी कभी पढ़ाते थे तो मैं अगर डर गया तो हमेशा डरने की जरूरत नहीं होती है इन अ लाउड टोन, तो वो ठीक गलत है। और भी जैसे तुमको तो पता है ना, तुम दिए चल जो तो लाइन में पहले जाके खड़े क्यों नहीं होते, ये सब। और जैसे कि बच्चे लोग क्या रहते हैं, वो तो ना समझ रहे थे। मैंने एक चीज और की, कॉलेज में जाने के बाद मेरे साथ ये चीजें बहुत कम हुई है, पर स्कूल में था तब बच्चे लोग ना समझ होते। जहाँ तक बुलिंग की बात है तो मेरे को एक किस्सा याद है, हम लोग बस में जाते थे, बस में स्कूल से आना जाना, तो मेरे तो दुनिया थे, मेरे एक साल, दो साल, तीन साल छोटे, उनको ये प्रॉब्लम पता चल गई थी कि ये डरता है, ये आवाज से डरता है, तो उन्होंने उसको लिया और दे ये यहाँ पर आके ताली बजाते थे, यहाँ पर आके ताली बजाते थे कि और डरता था तो मजे लेते थे, तो वो सब चीज़ें गलत है, वो सब चीज़ें बहुत गलत है। हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं आप लोग की तरह, हमारी गलती नहीं है कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया, पहली बात तो ये इसका है। और एक और चीज़ है सर, इन लोगों को क्या लगता है पता है, ये तो हैंडीकैप हो गया तो इसको तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, कोटा सिस्टम चलता है, एक हैंडीकैप कोटा करके होता है जिससे नौकरी मिलती है, मतलब कुछ सीट उसके लिए होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं मानता हूँ मेरे को उन लोग से आसानी से मिल जाएगी, पर मैंने स्कूल पढ़ाई की, मैंने कॉलेज पढ़ाई की, क्या मैंने मेहनत नहीं की, और क्या मैंने वो इतनी प्रॉब्लम देने के बाद भी मैंने पास होके दिखाया, मैं पढ़ के दिखाया, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इस कारण मेरे को नंबर नहीं मिलते, तो वो सब चीज़ें इनको नहीं दिखता। इनको क्या दिखता है, इसके बाद तो कोटा है, इनको तो नौकरी मिल जाएगी, अरे कोटा इसलिए क्योंकि आई डिजर्व दैट कोटा, बिकॉज आई एम बॉर्न डिसेबल, आई डिजर्व दैट कोटा, तो वही है। या आई थिंक जहाँ पे आप कह रहे कोटा के बारे में, वो कोटा एक एक किस्म का राइट है, क्योंकि आपका जो, जैसे आपने बोला अपना लिखना, आपके लिए सीखना और आपके लिए उसको
अच्छी तरह से समझना बहुत अलग बात है, आप अलग तरीके से समझ पाते हो, काम कर पाते हो, तो आपके लिए ये कोटा का मतलब है, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, ये जो क्योंकि सब ही इक्वल हैं हिंदुस्तान में, तो इक्वालिटी को नजर में रखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको भी काम मिले, आपको भी ये अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि आप अपनी लाइफ बिल्कुल एक फुल वे में जी सको। तो आई थिंक अगर लोगों को लगता है कि आपके लिए आसान है ऐसे होना, तो वो बहुत गलत है। एक और चीज है, छोटा सा इंसिडेंट, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घर में कौन कौन है, घर में जब मैं बताता हूँ कि मेरी दीदी है, मम्मी पापा है, तो लोग पूछते तेरा कोई भाई नहीं है, तो वो लॉजिक और सुन दो, वो ऐसा क्यों पूछते, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर है कि दीदी जो होती है, बहनें जो होती है, उनकी शादी होती है और वो फिर चले जाती है, तो उनका लॉजिक ये है कि इसका ध्यान कौन रखेगा, इसका तो कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, ये कैसे करेगा या अकेला कैसे सहन करेगा, अरे भाई मेरी जिंदगी, मेरे को जो करने का लगा, आपको क्यों, मेरे को भाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप जाओ ना भाई आप। आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये बात आप कह रहे हो, जहां तक मुझे समझ आ रही है, शायद मैं दोनों तरफ का सोच रहा हूँ, उनका पूछने का मतलब जो पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं, वहां पे एक आइडिया है कि जो एक बंदा होता है या बेटा होता है, वो अपनी फैमिली को टेक केयर करता है फाइनेंशियली जो भी है, और वो इसलिए शायद आपसे पूछ रहे हैं कि आपका भाई है, ताकि आपकी भी कोई देखभाल के लिए है कि नहीं, मतलब ये मतलब है उसका। पर आज के डेट में भाई भाई नहीं रहता, अगर भाई होता भी तो कोई गारंटी थोड़ा ना था कि तुम्हारी मतलब वो कोई कुछ करता, और इनफैक्ट आप एक इंडिविजुअल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और वो बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट कि आप अपना खुद का काम करते हो, आपने खुद अपनी पढ़ाई लिखाई कितनी करी है, और आप अपनी समझदारी से अपनी एक फुल लाइफ जीने की चाहत रखते हो, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग, and I'm really being honest, like I just love the fact that you seem like a very, despite everything, you seem like a happy person. Are you happy, Shreyash? I'm not happy. Okay, let's, ठीक है, तो आपको आप किस चीज से ना खुश होते हो? It is hard, but I have to say this. Sir, इतनी सारी चीजें बचपन से मैंने उन्हें सारे सपनों को बस टूटा है। मेरे को साइकिल चलानी थी, मेरे को साइकिल चलाने नहीं मिला। मेरे को बाइक चलानी थी, मेरे को बाइक चलाने नहीं मिला। मेरे को कार चलानी थी, मेरे को कार चलाने नहीं मिला। मेरे को घूमना था बाहर, मेरे को अपने स्टेट के बाहर जाना था, दोस्तों के साथ मस्ती करनी थी, ट्रैवल करना था, मेरे को वो नहीं मिला। मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो आई ऑलवेज टेंड टू थिंक कि वहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना जिससे मेरे को प्रॉब्लम होगी, या वहाँ बहुत सारे लोग, अगर बहुत सारे लोग रहते ना सर शादी वादी में, तो मैं नहीं जाता, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं जाता, अनलेस मेरे मम्मी पापा मेरे को एकदम वो करे कि चल बेटा, नहीं तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे को एकदम अनकम्फर्टेबल फील होता है कि मैं खाना नहीं निकाल पाऊंगा, खड़े होके खाना पड़ेगा, मैं नहीं खा सकता। और एक और चीज़ ऐसा, मैं बेसिक थिंग जो है ना, बेसिक थिंग मैं नहीं कर सकता, जैसे मैं अपने नाखून नहीं काट सकता, आई के नॉट डू डैट बिकॉज माई हैंड अलाउड है, मैं पानी के गिलास को इधर से इधर नहीं कर सकता अगर वो मेरे पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो पानी गिर जाएगा। मैं खाने को ला सकता हूँ अपने रूम तक, पर अगर वो लिक्विड है जैसे दाल हो गया या लिक्विड चीज़ें, तो उसको मैं नहीं ला सकता, तो आई कैन नॉट डू बेसिक थिंग, तो हाउ कैन आई बी हैप्पी, हाउ कैन आई बी हैप्पी, वो दिखता मैं हैप्पी इससे हो कि मैं हंसता रहता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं दुखी रहता हूँ,
हाँ कभी कभी लगता है कि भगवान एक दिन तो ऐसा दे दे कि मैं सुबह उठूँ, नो प्रॉब्लम, और जो चाहूँ मैं वो कर पाऊँ। पर भगवान भी अब क्या करें। I hear you. I hear everything you're saying, and it really breaks my heart, honestly. कि आपकी आवाज सुन के और जो आप कह रहे हैं कि आप बहुत बेसिक चीजें नहीं कर पाते खुद. बट आई थिंक जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैंने कभी भी इन चीजों के ऊपर सोचा है, आप मुझे अब बताइए वो सारी चीजें जो आप कर सकते हैं. सारी चीजें तो मैं कर सकता हाँ हूँ। आई कैन राइट, आई कैन राइट ओके okay. प्रॉपरली, आई कैन रीड प्रॉपरली, आई कैन, मैं चीजों को समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं दिमाग ठीक है, आई कैन टोटली अंडरलाइन, मैं मूवी को लेके समझ सकता हूँ, मैं नॉवेल पढ़ सकता हूँ, सब चीज कर सकता हूँ। और क्या मतलब, हाँ बेसिक थिंग मैं कर देता लाइफ में, जैसे नहाना हो गया या वो सब चीजें भी मैं करता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आई श्रेयस, कैन आप गो बेसिकली अपने अपने आप को आप यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू कैन ईट, एंड यू कैन, एंड यू हैव अ माइंड, एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल माइंड, एंड यस योर माइंड इज एवरीथिंग. सो आई थिंक व्हाट, सो आई थिंक आई वांट यू टू, मैंने इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ कि वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव भी हैं. आई नो कि बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो हाँ आप नहीं कर पाते, पर आपकी लाइफ में यस ऐसी भी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. और आपका सबसे बड़ा सुपर पावर, मैं जो सबको कहता हूँ ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार लोगों को बताना कि आपका सुपर पावर ये है कि आप खुद आप हो, आप जैसा कोई नहीं है दुनिया में. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई वांट टू स्प्रेड दैट लव टू यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट जिस तरीके से मैंने आपके साथ, मैंने एक पल में मैंने वहां पे बात करी थी, आई थिंक मे बी 2-3 days ago जब आप आए थे हमारे लाइफ में, तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैंने आप में एक बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल एनर्जी समझी थी और मुझे लगा मुझे इस बंदे से बात करनी है. तो आप में कुछ अच्छा और अमेजिंग भी है और वो कभी मत भूलना. यस सर, डू यू बिलीव इट? यस सर आप बोले तो होगा, पर अभी तक मैंने कुछ आने में अभी नहीं देखा नहीं है, क्योंकि आई एम जैसा, मैं पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम जैसा एवरेज स्टूडेंट। लोग बोलते ना कि भगवान ने इसको, हाँ ये भी थी बोलते कि भगवान ने इसको एक हाथ दिया तो इसका दूसरा हाँ दिमाग देगा, हाँ मेरे पास तो वो है, बस उतना एक्स्ट्रा नहीं है। पर देखो, देन यू आर मोर नॉर्मल देन एनीवन एल्स, बिकॉज़ वी नो वन हैज सच एन अमेजिंग ब्रेन, एवरीबॉडी हैज द सेम, सो यू आर जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स. सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज ट्राई, जो भी हो अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव को डबल देखें, क्योंकि नेगेटिव जो होता है ना वो एक बात. देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ट्विटर पे जाता हूँ वहां पे अगर ना 100 कमेंट होते हैं अच्छे, ठीक है, और मैं उनको पढ़ के नजरअंदाज कर देता हूँ कहीं ना कहीं, पर एक कमेंट आ जाता है जो बहुत ही गलत है, वो हमारा जो ब्रेन है ना वो वहीं पे चले जाता है, जो एक ना एक वो नेगेटिव हाँ चीज बोली थी किसी ने. तो मैंने जी एक चीज लर्न की अपनी लाइफ में कि मैं अब जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, ताकि मैं अपना मन मैला ना करूं, मैं अपना दिमाग वहां पे ना लगाऊं जहां पे कोई नेगेटिव बन रहा है. तो आई फील के दिस इज फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट यू. आई फील के सबको एक मौका होना चाहिए लाइफ में जब हम बैठें, सोचें और समझें कि हमें अब किस दिशा में जाना है, हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छी की तौर और बढ़ना है, या फिर हमें घूमते रहना है नेगेटिविटी में. आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट आई सी समथिंग स्पेशल इन यू जस्ट बाई टॉकिंग टू यू. आई कैन सी दैट यू हैव समथिंग इन यू दैट्स अमेजिंग, एंड आई फील दैट यू कुड डू अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ. आई डेफिनेटली फील दैट.
Why do I feel that, Shreyash? मैं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम भी कुछ अमेजिंग कर सकते हो लाइफ में? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? आप बताओ क्या हो सकता है आप में? I hope कि मैं कुछ अमेजिंग करूं, और I hope कि 5 साल बाद हम लोग, या फिर तो मैं आपके यूके में आपसे पर्सनली मिलना चाहूँगा, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो 5 साल बाद हम लोग फिर से यही चीज करेंगे, और मैं तब बोलूँगा सर आपने सही बोला था, I have done this. That's amazing, and I wish you the best for that. I want to see कि आप मेरे साथ contact रख सकते हो. You have my email address, and I'm very good at replying to my own personal emails. That's so you can connect with me, and I have no issues. I would love to see कि आप 5 साल में कहाँ तक पहुँचे हैं. आप 5 साल को छोड़ो, 1 साल तक पहुँचते हैं. मतलब आप क्या करना चाहते हैं life में? वो बताइए. What do you want to do? सर वो भी एक दिक्कत है. मेरे को ना सर एक ये क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूँगा कि हाँ, मैं एक और टॉपिक भूल गया था. मेरा क्या होता है, सेम रूटीन जो 5 साल पहले मेरा रूटीन था ना, वो अभी भी वही है. ओके. मैं सुबह उठता हूँ, वही सेम रूटीन है, कुछ चीजें चेंज नहीं होती. एक अच्छी चीज ये है कि मेरे को, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, और आपको सुन के खुशी भी होगी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं खेल देता हूँ, मतलब मैं खेलता हूँ. बाकी उसको छोड़ के सेम रूटीन होता है, तो वो चीज मेरे को फ्रस्ट्रेट करती है कि 5 साल में लोगों की जिंदगी यहाँ से यहाँ से जाती है, मेरी जिंदगी तो वही है. और आपने आपने वो सवाल का जवाब दोगा कि आपने पूछा था ना कि आप करना क्या चाहते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई बस इसलिए कर रहा हूँ सर कि किसी तरह एक जॉब मिल जाए, नो मैटर स्मॉल और बिग, कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए, खुश जाओ जैसे भी, और पैसे कमा लूँ, अपनी रोटी रोटी चला लूँ, अगर फैमिली होगी तो देख लूँ. बाकी ऐसा कोई पैसा नहीं है मेरे कि मेरे को ये गोल है, और मेरे को पैसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि आई टेंड टू थिंक कि नो मैटर व्हेन आई गेट अ जॉब, नो मैटर हाउ फार आई गो, मेरी प्रॉब्लम तो हमेशा मेरे साथ आएगी ना, और डैट विल हॉन्ट मी फॉर जिस तरीके से आप बात करते हो ना, आप मैं कभी कभी मैं समझ जाता हूँ कि आप इन चीजों से गुजरे हो, आपके साथ ये हमेशा रहती है ये बात, क्योंकि आपकी लाइफ है और यू हैव डेल्ट विद दिस ऑल ऑफ योर लाइफ. बट कहीं ना कहीं आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आप मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ किसी के साथ कंपेयर करते हो कि उनके उनकी लाइफ ऐसी है तो मेरी भी वैसी होनी चाहिए. एंड आई थिंक ये जो नजरिया है ना आपका, वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ और दूसरे बंदे की लाइफ ना बिल्कुल अलग ही रहेगी. मेरी लाइफ भी मतलब तुम्हारे साथ, या फिर कोई भी जो हमारे देख रहे हैं अभी व्यूअर्स, उनके साथ भी मेरी लाइफ भी अलग है बिल्कुल, और मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है जो शायद उनकी लाइफ में नहीं है. तो आप अपने आप को पहले तो बात है, आई नो कि मैं ये वर्ड जो बोलूंगा मुझे तो बिल्कुल गलत लगती है, पर शायद आपको वो समझ आएगी, आप भी नॉर्मल हो. आपको समझ आई ना मेरा मतलब क्या है उसका बोलने का? आप जब वो समझ जाओगे ना कि कोई दूसरा बंदर नॉर्मल और आप डिसेबल्ड हो, वो जो मेंटालिटी है वो छोड़ दो, क्योंकि आप बढ़ सकते हो, मुझे आप पे पूरा यकीन है, पर आपको ये चीज जो अंदर से खाई जा रही है कि मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं, ये जो नॉर्मल होता है ना, कोई भी नॉर्मल नहीं होता, सब ही पागल है, सब ही मतलब सब अपनी लाइफ में घूम गए हैं, कोई नॉर्मल नहीं होता, ये नॉर्मल कोई नॉर्मल शख्स है ही नहीं दुनिया में, आप ये समझ लो. और मैं आपको ये बस जानना चाहता हूं कि आप नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल हूं, सब नॉर्मल है, पर कोई भी नॉर्मल नहीं है,
You know what I mean? तो आप ये बात या अपने ज़हन से निकाल दो कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसे होता. अब आप ऐसे हो तो आप ऐसे सोचो, अब क्या करना है मुझे, और मैं अपनी लाइफ जो जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो उसको पूरा कैसे कर सकता हूँ. एंड मुझे आप पर पूरा यकीन है कि मैंने आप में एक, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप में स्पार्क है, आप में एक पॉजिटिविटी है मन में. एंड आई फील दैट जिस तरीके से आपने एक ये बनाया है कि 5 साल में आपको मैं फिर से आके बताऊंगा, आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव कि आप मुझे ये बता रहे हो. और अगर आपको अपनी रूटीन बदलनी है आप बदलो. शायद आप इंस्टेंटली नहीं बदलोगे, यू नो, शायद आप मतलब आज नहीं उठ के कुछ करोगे, पर शायद एक हफ्ते के बाद आप सोचोगे कि अरे मुझे ऐसे बदलना है, शायद इतना सा. फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप इतना सा, फिर उसके, यू नो, तो थोड़ा थोड़ा कर करके आप खुद ही आगे बढ़ो. और जिस तरीके से आप एक बार वो मन में पकड़ोगे ना बात, वो आपके सामने खुलती जाएगी और आप खुद आगे बढ़ते जाओगे. व्हाट डू यू फील? यस सर, आई टोटली एग्री. Sir, are you sure? Because you can disagree if you want. You don't have to agree with me. You have your own point. ऐसा कुछ नहीं. सर मेरे को एक और चीज पूछनी थी आपसे. हाँ बोलो. जैसे कि मेरे दोस्त जो है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड. एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्लास 3rd से है, ही इज माई जान. वो है, वो मतलब वो मेरी जान है, मैं उसका जान हूँ, क्योंकि वो मेरे बात करते हैं. पर बाकी जो लोग हैं वो तो भी अच्छे हैं, 3-4-5 थे, पर दे बातें बहुत कम होती है, होती ही नहीं है. मिलना होगा तो मिल दिए, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिले, क्योंकि वो लोग शायद बिजी रहते हैं या वो लोग शायद भूल जाते हैं या वो लोग को रहता होगा कि इसको पिकअप करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आई डोंट नो क्या रहता होगा. तो मेरे को, मैं लोनली हूँ, आई एम अ लोनली पर्सन, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आई एम सैड, बिकॉज आई एम टू लोनली. मैं तो इंस्टाग्राम है, मेरा जो व्हाट्सएप है, सर कोई मैसेज ही नहीं करता, कोई एक मैसेज ही नहीं रहता भाई. हाँ नहीं, नानी लोग कर देते, मौसी लोग कर देते, पर दोस्त लोग का मैसेज ही नहीं आता मेरे को, कॉल ही नहीं आता, कोई बात ही नहीं करता. और मैं कुछ से पूछता कि सर तो ह्यूमन बींग तो ठीक ठाक है, फिर भी लोग तेरे को इग्नोर क्यों करते हैं यार, तो ह्यूमन बींग तो बुरा नहीं है ना, तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तूने किसी का दिल नहीं तोड़ा, तो सबके साथ अच्छा बिहेव कर ले, फिर भी लोग तेरे को भूल क्यों जाते यार, क्या गलती कर रहा है तू? मैं आपको बताता हूँ कुछ, आप प्लीज मैं आपको ना थोड़े ये मैसेजेस आपसे साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है. गायत्री कह रही है कि हमें दे दे भाई अपना इंस्टा, मतलब आपके दोस्त बहुत बहुत बनना चाहेंगे, बहुत लोग आपके पास. ये श्रेयस, एक सेकंड, या बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें. एंडी, प्लीज टेल श्रेयस दैट ही इज रियली इंस्पायरिंग. प्लीज शेयर हिज सोशल मीडिया डिटेल्स सो दैट वी कैन ऑल कनेक्ट विद हिम एंड विटनेस हिज ग्रोथ एंड जर्नी. सो श्रेयस ब्रो, वी आर योर फ्रेंड्स एज वेल एज अंजलि. So I see we've got cooking tales with Rekha. Shreyas, God bless you. You're a good person. Inside that, more power to you. मतलब बहुत सारे लोग जो हैं आपको ये सुन रहे हैं और आपकी बातों पे बोल रहे हैं कि आपका Instagram हमसे शेयर कर दो. तो अभी आप अपना Instagram शेयर कर दो, अभी हम आपको फॉलो करते हैं. मेरा Instagram बंद है, नहीं तो मैं भी फॉलो करता. मेरा बंद है. तो मेरे, अगर Twitter है तो बताओ. Twitter है? ट्विटर नहीं है, मैं ट्विटर पे ही कर सकता हूँ यार. अच्छा कोई बात नहीं, मैं नया इंस्टाग्राम बनाऊंगा और मैं भी लोगों को बोलूं मुझे भी फॉलो करना, मुझे नया. तो आप अपना इंस्टाग्राम बता दो, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने के लिए तैयार हैं. मुझे, मैं टाइप कर देता हूँ क्या है. तो SSHEY नहीं श्रेयस
S-H-R-E-Y-A-S. H. H, okay. And then underscore. Haan, underscore 1457. 1457. And ye aapka Instagram hai, right? Yes, sir. Okay, you guys, I'm just posting it in comments. Guys, this is Shreyash's Instagram. Dhoka mat dena. Acha, AM kehte hain ki aap follow ho chuke ho. Come on, you guys. Shreyash 1457. Go follow him right now. And Instagram pe message bhejna. Main bhi join karunga, main bhi karunga message. Don't you worry. So, Prajukta ne aapko sent request, followed, Asia's followed you. Dekho, yahan pe bahut sare aise log hain jo aapko follow karna chahte hain kyunki aapki yahan pe story suni hai, aapka attitude samjha hai. And I think yehi sabse important cheez hai jo aapka, dekho, Abhinav Gandhi kehte hain ki unne follow kiya, Simran ne kaha ki unne follow kiya hai, Cooking Tales ke request kiya hai follow, bahut sare log keh rahe hain, Shri Prakash Yadav bhi keh rahe hain ki unhone follow kiya. So I just want you to know that you are valued, you are special in your own way. You don't have to be like anyone else. You can be you, and you are good as you are. And I wish you, like, I wish all the success to you. I know ki aap kahin na kahin, I know ki aap kahin na kahin karna chahte hain kuch apni life mein. Jab aapne ek decision bana liya hai ki main kuch karunga, to aapko koi nahi rok sakta. Do you agree? Yes, I agree. I'm glad. Bahut sare log yahan pe dekho, I think Master Shifu kehte hain, followed such a handsome DP Shreyas. Thank you. Vandana kehti hai, can I have FB? FB ka account hai aapke paas? Sir, FB account hai, par yaad nahi hai. Koi baat nahi. Par Instagram pe chalo everyone, kyunki FB ka yaad hi nahi hai kaun sa hai. To iska matlab koi use nahi karta. Main bhi FB ko zyada use nahi karta, honestly. I don't use it myself also. Aapko bahut sare logon ne request bhi kiya hai, ko shayad wo private account hai? Haan, private. Haan, to aapko ye sab aap na dekh lena, bahut sare logon ne aapko follow kiya hai. So I'm glad ki aap yahan pe aake baat kar rahe hain hamare saath. What is, can I ask you, ki aapki dream kya hai? Do you have a dream? Do you have a... Sir, मेरी ऐसा तो कोई ड्रीम नहीं है, पर मेरी ड्रीम ये है कि आई वांट टू हैव अ जॉब. आई वांट टू हैव अ जॉब. आई वांट टू बी टोटली इंडिपेंडेंट. टोटली इंडिपेंडेंट वन डे. ओके, मतलब मेरे को किसी की जरूरत ना पड़े. हाँ, I also wish to have a good life partner, जो मेरे को समझे, जो मेरे को समझे, मेरी क्या करे, मैं उसकी क्या करूँ, क्योंकि दुनिया ने मेरी क्या कभी नहीं की. दुनिया हम जैसे लोग की क्या नहीं करता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वो है, सच है. दुनिया सोचता है कि ये बोध है, हमारी गलती नहीं है. मैं एक और बोलूँगा, हमारी गलती नहीं है, हम ऐसा बने हैं. आपको बोलना है, आप गॉड से बात कीजिए, आप दिल से बात करना कीजिए, हमारी गलती नहीं है. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. और इतना मैं आपकी बात सुनता हूँ और मैं समझता हूँ, पर मैं कहीं ना कहीं आई नो के व्हाट इट, आई फील योर पेन. But you are not to blame, you know. I get that and I understand that. And I just want you to know that you are special and you are loved. And there are people in the world, log hain duniya mein jo aapko jis tarike se aap hain, aapko 100% accept karenge. Zaruri nahi hai ki jo aapki circle mein ya fir jo aapki biradari mein, aapke ilake mein aapko shayad nahi koi respect mil rahi, ya fir aapko lagta hai ki koi aisa hai, par main aapko zarur bata sakta hu ki there are people in the world that will care for you, that do care for you. And main abhi itna love dekh raha hu messages mein. Shreyash, we love you.
wishing you the best in everything in your life and for your dreams. You know, so there's so many people. Shreyas, I have a 21-year-old special needs daughter, and I'm seriously in tears listening to you. All my love and best wishes. You know, so there are people in the world who will... We genuinely love you, Shreyas. Dekho, there are lots of people here. Main isliye aapke saath share kar raha hu kyunki aapko pata hona chahiye ki aapko pyar karne wale, aapko samajhne wale log is duniya mein hain. Shayad aapko aaj tak nahi mile hain, par wo milenge, Shreyas. Never give up hope. And jis tarike se aapne bola ki you want a life partner, I'm sure that someone like you, when I say someone like you, now understand what I mean. Someone who is as nice as you, someone who is as genuine as you, someone who has a good heart and a great mind, someone who is a nice person. That's when I see you, Shreyas, jo main aapko dekhta hoon, sunta hoon, samajhta hoon, mujhe lagta hai ki you're a great guy. You're great to talk to. You have a little sense of humor. You know, I see all these great things in you. And I'm telling you that I wish that what I wish you could see yourself the way I see you. And I know one day you will find the right partner who will see you like I see you, or, you know, even more than what I see you, you know. And yes. I hope that day comes soon. Do you want to get married soon or later? Like, just asking. Job ke baad kar lenge. जॉब के बाद ओके ठीक है. सो यू गॉट टू, देखो अभी आपको मुझे अप टू डेट करना पड़ेगा आपकी जॉब के ऊपर भी, और फिर वो शादी का मामला है. क्या पता कि मैं कोई डेटिंग शो कर दूं और वहां पे आपको कहीं से बुला दूं किसी को. इट्स आल्सो पॉसिबल, इट्स आल्सो पॉसिबल, यू नेवर नो. कोई आई शुड डू, या कोई सेलिब्रिटी मिल जाए तो क्या बात. चलो सेलिब्रिटी ढूंढते हैं, चलो रिश्ते ढूंढते हैं सेलिब्रिटीज में. आई एम श्योर यहाँ पे, आई एम श्योर पांच मेखला है यहाँ पे, अमृत है, अंजलि है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपको फॉलो कर रही है इंस्टाग्राम पे. अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे कौन सी. आई एम सो ग्लैड कि आपने मेरे साथ बात की, एंड आई वांट यू टू, आप जुड़े रहो साथ में. हाँ बताइए, यू कैन गो अहेड. वन थिंग मोर, मैंने लाइफ में इसके कारण मैंने बहुत गलतियां की है, इससे मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुआ है और मैंने बहुत गलती की. मैंने अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ी बदतमीजी भी की है, ये फ्रस्ट्रेशन के चलते. मैंने अपनी दीदी के साथ थोड़ी बदतमीजी की है, ये फ्रस्ट्रेशन के चलते. मैंने उनको शायद दुख दिया है कभी कभी, और उनको मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो मेरे को, पर कभी कभी वो चीज़ें निकल जाती है और किसको निकालोगी. तो ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूँगा कि आज तक मैंने जितनी भी गलती की है, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था. मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से गलतियां की हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई एम सो हैप्पी कि आपने यहाँ पे से बोला. आई होप कि ये आप दिखाएं अपने पेरेंट्स को, और वो भी वो समझ सकते हैं कि जो आपने किया है, करा है, वो किस तरीके से हुआ है. एंड आई एम सो ग्लैड आपने वो मन की बात करके शायद आपका मन थोड़ा सा हल्का हुआ होगा. एंड I'm so, so happy. I really am. That was the best part of this whole interview for me. That's so beautiful. Okay, so now I'm going to invite some more guests. Shreyas, हमारे साथ जुड़े रहिए. मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाए. अगर आप जाना चाहते हो, आप जा सकते हो. But I want you to stay with us. And आप after party में जरूर आना, क्योंकि हम after party में बहुत मजे करते हैं. वो offline करके. I'm sure people are like, ये कौन सी after party होती है आप लोग की? बहुत बढ़िया. बट बढ़िया पार्टी होती है. अब मैं लिंक शेयर करूंगा जिन जिन को आना है. कुछ आपको शायद श्रेयस से बात करनी है डायरेक्टली, आप कर सकते हो. आपको कुछ कहना है. सो गायत्री अभी भी कह रही है कि भाई तू आज से सेलिब्रिटी हो चुका है यार, देख ले तुम्हारे एक इंटरव्यू से आप तो मतलब पूरे हो गए, सेलिब्रिटी बन गए ऑलरेडी. अच्छा तो
I'm going to just put the link out now if you want to join me. अगर आप आना चाहते हैं, शायद से कुछ बात करना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं वैशाली से भी बात करना चाहूंगा. आई थिंक वैशाली की जो स्टोरी है वो पहले चल सकती थी, वो पहले से वो बिल्कुल ठीक थी आप कह सकते हैं, और फिर उनके साथ एक हादसा हुआ जिसके बाद वो व्हील चेयर में अब आ चुकी हैं, पर वो भी आई थिंक फिजियोथेरेपी के थ्रू जा रही है, थेरेपी हो रही है उनकी, तो शायद उनका भी हो सकता है कि शी कैन गेट बैक टू 100% लाइक शी वाज बिफोर. सो आई विल ब्रिंग वैशाली इन राइट नाउ, देन आई विल शेयर लिंक. हाय वैशाली. हाय एंडी. एम आई राइट? आई डिड गेट योर स्टोरी लिटिल बिट राइट ओनली, या फिर आई वाज रॉन्ग? आई वाज राइट. ओके, थैंक गॉड. Oh, thank God. Achha, so I'm going to send the link out, guys. I remember everything that's important. And this is obviously very important. They say, I met Shreyas on a very short thing. And I was like, this man, I like him. You know what I mean? You know, when you just know, I was like, I like Shreyas. And then Shreyas had said something. Unhone khud hi suggest kiya tha ki ye disability ke upar hum kuch baat karein. And I was so... like taken aback, and I understood, and I, as I said to you, I have a sister also who's mentally physically disabled. I mailed you about yes. it, but you didn't maybe saw it, and after Shreyas, I didn't see it until now when I came here. जब मैंने आपका message यहाँ देखा, then I was like, I connected. I was like, ये वैशाली वो वैशाली है. So then I went there and I sent you the link. Okay, I'm sending out the link to the audience. Audience वाले, अभी हम आपको भी link भेज रहे हैं, जिनको जुड़ना है, जिनको कुछ बोलना है इस विचार में, शायद श्रेयस से या फिर वैशाली से भी, तो you can join me. Here's the link. And let's talk to Vishali now. So Vishali, tell us a little bit about your story. आपके साथ जितना आप बताना चाहेंगे, that's up to you. But just share something so that we understand where you're coming from. So actually it happened in 2014. In 2013 I started to bahut zyada ill rehne lagti main ekdam se, and there was nothing history of medical issues. Aur jab 2013 mein rahi to mera ek private clinic se ya fir ek private hospital keh sakte hain usse chala treatment, and the doctor didn't told ki kuch jo meri health drastically jo niche ja rahi hai. I lost hair, I lost weight, there I think I have lost 15 to 17 kgs in 6 to 7 months. So he said that aapko dengue ho gaya hai, kabhi kehta tha ki aapko typhoid ho gaya hai, and we just followed his treatment and whatever medicine he told us. And after in my 2014 main ekdam kisi marriage mein rahi thi, और वहाँ पे मुझसे चला नहीं गया, एंड आई डिडंट न्यू क्यों क्या हुआ है. हमें लगा कि चलो सुबह एडमिट हो जाएंगे जाके, बट रात को ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई, सुबह जाके एडमिट हुए. व्हेन आई ओपन माय आईज आई कुडंट वॉक, एंड आफ्टर दैट टुडे इज द डे आई कांट वॉक. उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद पता लगा कि दैट उससे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं. उसने कोई टेस्ट नहीं करा, अगर कुछ ऐसे टेस्ट थे जो अगर वो नहीं करता या फिर ऐसा हो सकता था कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती थी. उस डॉक्टर की केयरलेसनेस की वजह से यस मेरी पूरी बॉडी हो सकती थी, हाफ पोर्शन हो सकता था, देयर एनीथिंग कुड हैपन, माय ब्रेन फुल डैमेज. वो जो मुझे सिंड्रोम था, जो मुझे इशू हुआ, वो बॉडी में कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता था. आई वॉज लक्की, आई वॉज लक्की दैट आई जस्ट गॉट पैरालाइज फ्रॉम नीज. I am paralyzed from मेरी upper body एकदम perfectly fine है, कमर से नीचे का हिस्सा. पर ये जो डॉक्टर है, इन्होंने आपकी वो एक समझ नहीं थी उनको शायद कि ये हो क्या रहा है. I guess उन्होंने टेस्ट किए थे या फिर क्या 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 कैसे उनको पता चला कि आपके पास डेंगू है या फिर ऐसी ऐसी चीजें. उन्होंने उस समय आई थिंक मुझे दो तीन जो बीमारियां पकड़ रही थी उसके साथ ये वाला सिंड्रोम भी डेवलप होने लग गया था व्हेन आई वाज इल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बट वो होता है ना कि हमने देखा कि जैसे डेंगू में कहते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स कम है या कुछ ऐसे करके, उसने वो छोटे छोटे इश्यूज पकड़े. उसने यही नहीं पकड़ा कि हर मंथ में मेरे हर एक मंथ बाद मुझे एडमिट क्यों होना पड़ रहा है. देयर वाज उसको होता है ना एक डीप टेस्ट होते हैं कि आप कुछ MRIs कराओ, कुछ CT scan करवाओ,
हार्ट बीट के लिए जो होते हैं सिटी स्कैन हो गए, बहुत सारी चीजें होती है, उसने उस चीज का ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ब्लड टेस्ट कराता था जिसमें सब कुछ एविडेंट नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड जब मैं पैरालाइज हो गई, ही सेड कि मैं पैरालिसिस का तो डॉक्टर हूं ही नहीं, आपको जहां ट्रीटमेंट कराना है आप करा लो. वाओ, ओके. तो बेसिकली कोई भी मतलब वो नहीं था कि ये क्या, ये जीपी थे या क्या थे, ये डॉक्टर जनरल एक्चुअली प्रैक्टिशनर थे या फिर वो जैसे मुझे स्पेशलिस्ट थे? लगा कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं थे. बेसिकली हाँ, तो वो जनरल प्रैक्टिशनर थे जहाँ पे वो आम साधारण फिजिशियन सी बीमारियां फिजिशियंस जो होते हैं उन्होंने वो देखे, तो शायद उन्होंने वो चीज समझी नहीं अच्छी तरह से. हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका डॉक्टर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया. और पर एट द सेम टाइम डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं. आई एम जस्ट गोना बी डेविल्स एडवोकेट एंड दे डोंट नो एवरीथिंग. ये एक बात है जो मैं शायद व्यूअर्स से बात करना चाहता हूँ इस वक्त, और बोलना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंसान हैं, उनको सब कुछ नहीं पता होता है और उनकी कही हुई बात पत्थर में लकीर नहीं होती है. तो आपको भी खुद अपने समझ से भी निकलना चाहिए कि भाई ऐसा है तो शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद मुझे ही कुछ अलग तरीके से अपनी देखभाल करनी चाहिए. हम सिर्फ ब्लाइंडली हम डॉक्टर को फॉलो ना करें भी, क्योंकि डॉक्टर उसको सब कुछ नहीं पता होता है. ये क्लासिक एग्जाम्पल है कोरोना वायरस के बारे में, कोई डॉक्टर कुछ नहीं जानता इस वक्त. हकीकत ये है. सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो लैब्स में अभी वैक्सीन बना रहे हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तो डॉक्टर को कैसे पता हो सकता है. तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, बट यू कैन कंटिन्यू वैशाली. तो फिर अभी आप नीज से नीचे आप पैरालाइज्ड हो, तो इसका मतलब है कमर आप से नीचे. हाँ, कमर से नीचे, फ्रॉम योर वेस्ट, सो फ्रॉम वेस्ट डाउन यू आर पैरालाइज्ड राइट नाउ. तो आप व्हील चेयर में बैठती हो और चलती फिरती हो, मतलब व्हील चेयर में? आई विल टेल यू दैट थोड़ा सा शॉर्ट में. आई बिन टू प्राइवेट हॉस्पिटल, आई बिन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल. शॉर्ट में बताऊंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल मेक मनी, उनको रियल बीमारी नहीं पता चली, उन्होंने MRIs करे, कुछ नहीं उनको पता लगा, उन्होंने गवर्नमेंट में रेफर कर दिया. दे मेक बिल ऑफ 2-3 लाख्स एंड दे डिडंट डू नथिंग अबाउट माई हेल्थ इशू. दे डिडंट इवन न्यू वट वॉज हैपनिंग विद मी, वट happening with my body, they didn't even knew it. Okay, short story, private done. Government में डाला, government में पता लगी बीमारी क्या है. पहले तो for the very start in the private hospital they told me that there was a what to say, there was a nerve which is pressed of my brain. Trapped? हाँ, yes. That's why I couldn't walk. After that I went to government hospital. I got to know that there is nothing like that. There was a syndrome in my blood which is called RNA factor. It was found positive. If it was found positive, ये देखो, आई थिंक ये बहुत जरूरी बात है. इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये बात क्या है, ये बीमारी है या फिर ये जेनेटिक है, ये सबको हो सकती है, कितने लोगों, क्या ये जेनेटिक है, क्या ये एक नो जेनेटिकल इश्यू था? नो नहीं, तो ये कहाँ से आती है, ये फिर से बोलो, ये RN क्या था? RNA factor which is positive in my आर body. एन ए फैक्टर. यस, अच्छा, माय तो ऑर्गन आर एन इज ए कॉल्ड नॉन कॉम्प्रेसिव मेलोपैथी. इट वाज अ इट इज इन अ SLE केस वेयर यू आर पैरालाइज्ड बट इट इज नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी बैक प्रॉब्लम, एनी बैकबोन प्रॉब्लम. It is a syndrome राइट. which is found positive in your blood, which make you sick, which can make anything happen to your body, whether it's about brain, whether it's skin, whether it's my legs are not working, obviously it is one of it. So it is very rare kind of a disease, I guess, because हमारे इंडिया में पैरालिसिस में मोस्टली केसेस ऐसे, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज में ऐसा होता है कि बैक की कोई प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डी हिंदी में कहते हैं, उसके अंदर की कोई प्रॉब्लम होती है जिस वजह से पैरालिसिस फॉर्म होता है. क्योंकि वो स्पाइनल नर्व कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है, उस वजह से आप चल फिर नहीं पाते क्योंकि नीचे तक वो कंट्रोल नहीं रहता. पर आपका ये एक अलग चीज था जो शायद एक रेयर कंडीशन है जो
एक जनरल प्रैक्टिशनर को शायद ये चीजें नहीं पता होगी, तो उनका फर्ज था कि वो आपको रेफर सीधा करते थे एक स्पेशलिस्ट को कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। एंड जैसे जिस तरीके से आपने बोला कि आप फिर उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और उनको भी नहीं पता था क्या है, इनफैक्ट उन्होंने चेक भी नहीं किया ये चीजें, तो फिर ये कहां से पता करा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने पता करा? And there is GB Panth Hospital. GB Panth में I think rectify हुआ था कि मुझे क्या syndrome है या क्या problem है. उसके बाद उसका treatment AIMS में हुआ है, All India Medical में. And ये short story, ये मेरा सिर्फ एक ear का इलाज था. इस वाली बीमारी में मुझे कभी भी बुखार आ सकता है. My highest fever was 104.5 was the highest degree. My goodness. And in this state, I can do my patties all by myself. Because in 6 years, मुझे इतना ही fever रहा है, और my mother is a single parent and she is working. So कभी कभार ऐसा होता था कि she is coming, but मेरी तबीयत खराब हो रही है तो हो रही है. तो I just used to take a towel and dip it in the water and do it all by myself. It happened. In 104.5 degrees, I have done my patties all by myself. Because after 2 years, I realized that it's going to be me for myself. If I won't do it for me, who will do it for me? And ye wala, isme fever kabhi bhi ho jata. Actually, today also I have a fever. 100.9 something. But I'm fine. I'm sitting in front of you. This is 100 and what are you in? You're 109 right now. 100.9. Yes. Yeah. That's still high, huh? Yes. So it's interesting कि जो बॉडी है हमारी, जो बॉडी है वो बहुत, हमें उतना नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी कितनी ताकतवर है कि इतना कुछ आप कर पा रही हो. I will say it's not about the body, it's about the mind. How much your mind can take that. Because मैंने देखा है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, वो सो बुखार में भी बहुत क्रिप करते हैं कि मैं ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है. एंड आई एम द वन, मैं मतलब 101 डिग्रीज में एक्सरसाइज कर लेती हूँ कि यार ये तो डेली का ही है, फीवर तो डेली आता रहेगा, मैं अपनी कब तक चीजें छोड़ूंगी इस फीवर की वजह से. बिकॉज इट इज अबाउट 6 to 7 years एंड मुझे पता नहीं दो दो तीन तीन महीने एकदम कॉन्टिन्यूस में बुखार रहता है और 103 and 104 डिग्रीज रहता है. इस बुखार की वजह से, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पैरालिसिस. After this paralysis, I got so many illness, so many diseases. The recent one was, which was the major one, was mera BP low hone rehne lag gaya. It was 40 to 70 when I got admitted to hospital. I think it was my 21st birthday, and I was admitted to hospital. They just what it called center line. They put it the center line. Because I was so I was so unconscious on that time, and I was just 20 years old. So can I just ask you something? Basically, ये जो rare case था आपका, वो डॉक्टर ने नहीं पकड़ा. It has resulted कि आप अभी waist down से paralyzed हो गई हो. अब यहाँ से आगे बढ़ के इसका इलाज है. अब आप सही डॉक्टरों के पास हो, और अगर हो तो आपका अभी इससे बाहर आना क्या एक एक राय, एक एक वे है आपको टू कम आउट ऑफ दिस? एक्चुअली इस डिजीज का ट्रीटमेंट हो चुका है, दवाई चल चुकी है, एवरीथिंग, बट पैरालिसिस उन दवाइयों से ठीक नहीं हुआ. व्हाटएवर ट्रीटमेंट आई हैव गॉन थ्रू, तो उसके बाद सिर्फ एक ही तरीका है उसको ठीक करने का, दैट इज फिजियोथेरेपी. After 5-6 years, मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है अभी, जस्ट लॉकडाउन की वजह से रुकी गई है. बट उस फिजियोथेरेपी में बॉडी उस चीज पे कितना जल्दी रिएक्ट करेगी, कितना लेट रिएक्ट करेगी और कितना परसेंट रिएक्ट करेगी ना, यू डोंट नो अबाउट इट. इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट हैव चांसेस टू वॉक अगेन, बट कब 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 कहाँ कैसे कितने लेवल पे कितनी जल्दी, I don't have answer to it and I don't even sign. But can I ask you about ye jo mentally aap feel karti ho, abhi aapne bola ki main 101 mein bhi exercise kar leti hu, matlab par aapki jo feelings hai, jo aap mentally feel karti ho is waqt,
उसको लेके आप कुछ कहना चाहोगी, लाइक हाउ डू यू फील, आर यू हैप्पी, डू यू स्टिल वांट, आर यू स्टिल बीइंग एबल टू स्टडी, डू यू वांट टू स्टिल, यू नो, आर यू थिंकिंग मैरिज, चिल्ड्रन, लाइफ, एंड इवन इफ आर यू थिंकिंग आई मस्ट वॉक, यू नो, सो आई वांट टू आस्क यू दीस क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड के how are you feeling? I will tell you things and you will tell me I am more positive about it or more negative about it. When I was walking, I was very someone who is really angry on everything and someone who cribs over small things. And now I'm someone who will let it go. Like, okay, it happens, it happens. Shreyas ne ek baat boli thi ki mere saath kyun? But I think maybe mere saath kuch worse ho sakta tha, isse bhi zyada. Jaise meri upper body... Can I just stop you for a second? We've lost Shreyas here. So I'm going to have to kick someone from the studio, guys, so that Shreyas can come back. I am... Sorry, Preet. I'm going to take you out for now because I have to get Shreyas back. So guys, everyone who's watching in the view, please don't add yourself to the link right now. I want Shreyas to come back because he's not able to join. So let me just... So I just want to make sure he knows that he can come back in. Please rejoin. Send. Okay. Hopefully he will rejoin. I've sent him a message. Anyway, so I'm sorry about that. Sorry for the stopping. So let's continue. So right now you're telling me that how you're positive or negative, I should decide. So let me know. What do you want to say? Shreyas ne ek baat boli thi ki itna sab matlab ho gaya, matlab meri life ka kya and all of that. I'm someone who thinks ki mere saath shayad isse bhi zyada na bura ho sakta tha. Meri upper body abhi ekdam theek hai. Main ye nahi kahungi ki ekdam main normal jitna work kar sakti hu. No, not at all. But in case of percentage, you will see that disability, there is no disability in my upper portion. So I'm just like, I'm grateful that I have this portion to work for me, work for myself. Mm. At least I can take care of myself. I know mentally what I have to do, what I not have to do. मैंने ना एक साल बहुत ज़्यादा इसके चीज़ में depression में निकाला है. And I'm not someone who's saying that I'm very depressed. I am saying I'm depressed because there was a time when doctor suggested me that I should take a psychiatrist help because there are things. And I'm telling you, I can't sleep while laying down on my bed. I am sleeping in sitting position from past 6 years. But why is that? Is that medical? Because my legs couldn't sleep me because they have reflection. Whenever a reflection came, my sleep got broke and I have to wake up. And so you're getting a reflex. You get a reflex reaction in the legs, so they move. Yes. So that's why you need to. So is it okay? Understood. So I have to sleep in the sitting position, which is very difficult because when you wake up, you have backache, you have shoulder ache, and everything. But it is okay. At least I'm able to sleep 6-7 hours in whatever position I'm getting to sleep. Vishali, I'll just stop you for a second. I just feel that what I'm getting from you is some positivity. I'm getting positivity. I think that kahin na kahin aapko bhi lagta hai ki, you know, there is a light at the end of the tunnel. You know, you are getting better. You are, and there's a possibility with the right treatment, sahi treatment ke saath, aap chal phir bhi sakyogi, shayad. And honestly, you are so pretty. You've got a great attitude. And I think that all of this matters. And aapke saath bahut kuch hua hai young umar mein. Aur ye ek tragedy bhi ho sakti hai, ye traumatic bhi hai. And you can't hide from that reality. It is tragic. It is traumatic, and you will have to deal with that. And seeing a counselor ya kisi counselor ko, psychiatrist ko ya psychologist ko dekh se milna, treatment lena, usme koi problem nahi hai. In fact, I think it's the best thing. It's the best thing kyunki you can just remove all you need to remove and be positive about what can happen. Even if you're in a wheelchair tomorrow and you stay in a wheelchair, I can guarantee you can have a full amazing life on a wheelchair. You know, if you want, but
विद योर एटीट्यूड आई कैन सी दैट विद द राइट ट्रीटमेंट आप चलना फिरना शुरू कर दोगे बहुत जल्द. आई फील इट फ्रॉम यू, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू एंड योर एटीट्यूड एंड द सेम काइंड ऑफ फीलिंग आई गेट फ्रॉम श्रेयस. ना श्रेयस, आपने इनकी बातें सुनी, आपने क्या सोचा इनकी बातों को सुन के? सर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वे सारी मैम, बहुत ही ज़्यादा मेरे को बहुत अच्छा लगा. बहुत आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे. पर श्रेयस जो इन्होंने बातें की है जिस तरीके से आई गेस इनकी फीलिंग्स के बारे में, अब इन्होंने बोला कि मैं डिप्रेस्ड रह चुकी हूँ और कभी कभी जैसे आपने भी बोला कि आप लोनली हो, तो शायद इस कैन यू सी सम सिमिलैरिटीज के यू नो डीलिंग विद अ डिसेबिलिटी इन लाइफ इट डज वे हैवी ऑन योर मेंटल स्टेट. जो आपका जो मेंटल स्टेट है इट डज अफेक्ट इट एंड आई वांट यू टू सी दिस के वैशाली एंड श्रेयस देयर सम सिमिलैरिटीज इन द वे दैट आई कैन हियर दैट यू आर ट्राइंग टू बी बेटर एंड यू आर ट्राइंग टू you know keep working hard and aap dono ne ek bar bola ke normal ye ek normal cheez jo hai par Vaishali ka normal aur Shreyas ka normal jo aap ye normal batate ho wo alag cheeze hain to ye normal exist nahi karta hai. So I just wanted you know that I was hearing in both your stories that ek cheez hai ki jab main normal thi ab bhi normal hi ho. Right? Actually, no, we are seeing ourselves from the people's point of view. In their point of view, we were correct. Normal and we aren't normal now. Correct. अभी आप दूसरों के नजरिए के बारे में सोच रहे हो, आप खुद की नजरिए के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हो. और आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मैं आपकी नजरिए के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं आपको जो ये अंदाज है सोचने का अपने खुद के बारे में, मैं उसके ऊपर लाइट शाइन कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये एक्चुअली आपकी गलती है ऐसे सोचने के लिए. आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए. भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि दुनिया ने हमसे लिया क्या. मैंने गाना गा दिया. आई वांट टू ऐड ऑन दिस राइट. आई वांट टू ऐड ऑन दिस व्हेन मैं जब हुई थी ना पैरालाइज, तब सब मुझे ये कहते थे कि नॉर्मल हो जाओगे ना, तो ऐसे कपड़े पहन लेना नॉर्मल हो जाओगे, तो घूम लेना नॉर्मल हो जाओगे, तो बर्थडे मना लेना नॉर्मल हो जाओगे, तो ये वो. फिर एक टाइम आया जब मैंने सोचा कब होंगी नॉर्मल और कब ये सब करना है. आई जस्ट लाइक कि मैं ना नॉर्मल हूँ ना हूँ, मुझे जो करना है ना मैं वो करूँगी. आई रियली लाइक टू वॉच मूवीज एंड मैंने वो देखना जाना शुरू कर दिया थिएटर्स में. सो वहाँ जब मैंने थिएटर्स में मूवी देखना शुरू किया, तो पहले तो मुझे लगता था कि सब ना मुझे ही देख रहे हैं, कि मैं क्यों देखने आई हूँ मूवी, मुझे तो घर पे बैठना चाहिए था. यहाँ तक कि एंडली माय नेबर्स इन इंडिया थोड़ा सा ज्यादा ही एक दूसरे के घर में ताक झाक रहता है, तो मुझे कहते थे हॉस्पिटल जा रहे हो, बीमार हो गए हो. आई वॉज लाइक कि मैं अपने घर से अगर कहीं जा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल ही जाऊँ. अगर हम ये नॉर्मल बोल भी रहे हैं ना, हम चाहे जितना भी अपने आप को नॉर्मल फील करा लें या फिर सोच लें कि हम नॉर्मल हैं, ये लोग नहीं सोचने देंगे. एक टाइम आया था मैंने वो टाइम अभी भी है, मैं अपनी मूवीज देखने चली जाती हूँ, मैं डिनर्स पे चली जाती हूँ, कॉफीज पे चली जाती हूँ, यहाँ तक कि अब तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाने लग गई हूँ. क्योंकि वो जो वक्त है ना, जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो वक्त आने पर हम घूमने जाएंगे, मुझे नहीं पता है वो वक्त कब आएगा और ना ही सोसाइटी को पता है. मुझे ये पता है कि मेरी एज निकलती जा रही है और ये एज मेरी थोड़ी सी दोस्तों के साथ गपशप करने की है, तो मैं चली जाती हूँ बाद में. वो तो जाना भी चाहिए. आप अपनी लाइफ फुल जियो जैसे आपको जीना है. ऑफ कोर्स अपने एक दायरे में रहो ताकि कुछ यू नो डोंट गो टू फाउल. सो आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पागल हो जाके करना जो करना है, बट आई थिंक डेफिनेटली हैव अ फुल लाइफ, एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे पॉजिटिव एंड मेक श्योर यू रियलाइज कि आप दोनों बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो और आप दोनों अपनी लाइफ जियो जैसे जीनी है. आप किसी की बातों में मत आओ और ये परसेप्शन जो नॉर्मल का है ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल नहीं. मैं कितनी बार बोलूंगा सेम चीज, पर यही बात है. मुझे ना हीना खान से मिलना था, मैं उनकी ना बहुत बड़ी फैन थी. मैंने उनको खतरों के खिलाड़ी में देखा और उसमें देखा, मैं बहुत बड़ी फैन हो गई बिग बॉस में उनको देखा. और मुझे पता है ये स्टोरी, आपने मुझे शायद पहले भी बताया है कि आपने हीना खान को मैसेज किया था, फिर उन्होंने आपको वापस किया था मैसेज, राइट? नो, मैं उनसे मिलके आई थी. अच्छा हाँ, मिलके आई थी. ओके, गॉट इट. आई थिंक आपके साथ उसके उनकी पिक्चर भी है ना.
मेरी प्रोफाइल पे एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि छोटे छोटे ड्रीम्स देखने से शुरुआत करनी चाहिए और उनको पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए. ड्रीम हर कोई देखता सुनो श्रेयस, सुनो इसकी बात. श्रेयस सुन रहे हो? हाँ. एंड और देखो छोटी छोटी ड्रीम्स पकड़ो और वो पूरी करने की क्षमता रखो. बहुत खुशी मिलती है छोटे छोटे ड्रीम्स देख के पूरे करने के लिए. आप अगर आप इतना भी सोचोगे ना कि आज सैटरडे है और कल संडे है तो मैं आज ना वर्कआउट करूंगा और कल मेरी ना स्किन अच्छी लगेगी या मेरी बॉडी निकलने लग जाएगी, अगर आप वो ही एक्सरसाइज भी कर लोगे ना, यू विल फील दैट फीलिंग, यू विल फील सो हैप्पी आफ्टर डूइंग इट. मैं जब भी कोई एक्सरसाइज करती हूँ ना, आई विल काउंट कि आज मैंने 50 करा है ना, तो मैं 70 करती हूँ. फिर जब मैं 70 करके हटती हूँ ना, आई फील सो हैप्पी एंड आई थिंक इट इज एविडेंट टू माय स्किन. सो ग्रेट. ओके गो फॉर इट चेस. सर ये जो एक्सरसाइज की बात है ना, ये मेरी भी फिजियोथेरेपी हुई है. सत्या मेरी फिजियोथेरेपी हुई थे सर, और फिर मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, सुई छुपाना पंचर कुछ बोलते हैं, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर, हाँ हाँ हाँ, वो सब भी हुआ है एक दो साल. तो फिजियोथेरेपी में वैशाली मैम को पता हुआ कि बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा, मतलब मेरा तो रोना निकल जाता. तो उस चीज से, तो उस चीज से क्या हुआ पता है, मैंने 6 साल एक्सरसाइज की ये नीम देख के कि मैं गाड़ी चला लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और वह सब चीजें नहीं हुई. तो अब मेरे को एक्सरसाइज से नफरत हो गई है. जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे को ये फील आता है कि I have given my years to that, why should I give it more when it doesn't give me back. I understand, but remember, I think जिस तरीके से again जो exercise आप शायद करना चाह रहे हो वो exercise शायद आपके लिए नहीं है और आपको एक अलग exercise करनी पड़ेगी जो आपके लिए है. जिस तरीके से मुझे ना भागना पसंद नहीं है, ना मुझे वेट लिफ्टिंग पसंद है, पर मैं टेनिस खेल लेता हूँ, वो मतलब वो एक अलग, आपको देखो वो मेरा मानना है, पर आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप जिम में जाके जो यू नो ये वेट लिफ्टिंग या कुछ ऐसा ऐसा होता है वो शायद आपके लिए नहीं है. हो भी सकता है वो आपने ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो कि, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको ना एक अलग अंदाज से सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फिट है और क्या आपके लिए वर्क करता है. एंड दैट्स विद एवरीबडी. I have someone here. हाँ, go for it. Actually, इसी में मैं सोसाइटी की एक और चीज ऐड करना चाहूंगी. मेरी सोसाइटी जब आप कह रहे थे ना कल पीयर प्रेशर था, तो मैंने भी सोचा कि मुझ पे क्या प्रेशर रहा जो मैंने कुछ किया. मेरे पे ये प्रेशर रहा जब मैं पैरालिसिस के नेक्स्ट ईयर 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, उन्होंने कहा कि सोसाइटी कहने लगी तुम घर पे बैठ के करते क्या हो, टीवी देखते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ लाइफ थोड़ी ना है, पढ़ाई कर लो, पेपर दे दो, एग्जाम से तो 12th पूरी कर लो. मैंने सोचा कि, और फिर फैमिली भी को भी लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए. मैंने वो एग्जाम दिया एंडी, एंड आई थिंक इट वाज द वर्स्ट डिसीजन आई हैव मेक इन माय लाइफ. आई मेड इन माय लाइफ बिकॉज उस एग्जाम के लिए मुझे इतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था एंड आई वाज न्यू टू दिस पैरालिसिस. माय बॉडी वाज अडैप्टिंग बी टू लाइक अ व्हीलचेयर बाउंड. सो इतनी ज्यादा मेरी वो थिन लाइन थी बीमार होने की, किसी भी पल मुझे बुखार हो जाता था. इन वन एग्जाम आई हैव टू गो टू एम्स रादर देन गोइंग टू द इंस्टीट्यूट टू राइट माय एग्जाम. दे सेड वी विल वोंट गिव यू राइटर. आई सेड मैं लिख नहीं पाती हूँ, मेरी फिंगर्स जवाब दे देती है आफ्टर हाफ एन आवर, ये नील पड़ जाते हैं. उन्होंने कहा तुम्हारे को पैरों की डिसेबिलिटी है, हाथों की नहीं है, हम नहीं देंगे राइटर. उन्होंने राइटर नहीं दिया. एक पेपर में मेरी इतनी ज्यादा, मैंने बताया मैं डिप्रेशन में रही हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, बहुत कम पे आए हैं, आई एम टच वुड बहुत ज्यादा नहीं रहे. तो उसमें मैं एग्जाम का डर मेरे मन में इतना था कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल जाके ड्रिप्स लगवानी पड़ी. आई वॉज एडमिटेड फॉर अ डे और पर मैं वो पेपर नहीं दे पाई. उसके बाद भी मैंने जाके पेपर दिए बट आई वॉज नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली क्योंकि मेरे हाथ नहीं वो करते थे सपोर्ट. तो ये भी मैंने सोसाइटी के लिए दिया था पेपर, अपने लिए नहीं दिया था कि माय माइंड वाज प्रिपेयर्ड और माय बॉडी इज प्रिपेयर्ड. सो ये वाला था. यू हैड टू डू इट. या
या उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मैं एग्जाम्स अभी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ना मैं इतनी देर बैठ सकती हूँ. और इसी के बीच एंडली जब मैं एग्जाम्स देने जाती थी, आई हैव टू सिट फॉर 5 to 6 hours, आई गॉट बेड सोर्स, व्हिच इज आई थिंक यू विल मस्ट बी नोइंग अबाउट. आई नो व्हाट अ बेड सोर इज, यस. एंड फॉर दैट आई हैव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर देयर सर्जरी. That's very sad. I'm so sorry to hear that. Okay, now listen to this. Now I've got a doctor here from London, Ranjit Menon, and I think he's saying that he'd like to help Shreyas, I think. So Ranjit Menon, do you want to email me? And I can connect you to Shreyas. Will that work? Or you can connect with him on his Instagram as well, which was somewhere we had put it earlier on. Shreyas, just write your... okay, I'm going to write my email address. Like, it's fine if people know it because it's on my Insta. That's my email address. And if you want to connect with me, you can connect with me. Otherwise, you can connect with Shreyas also. I'll just write his also. So it was Shreyas. Underscore, where's my underscore? There it is. And what was the number, Shreyas? Kya tha? Shreyas underscore? 1457. Okay, Ranjit, so that's Shreyas ka jo hai direct Instagram pe. But phone number mein apna yahan nahi de sakta hai, na ke, I think... कोई भी नहीं दे पाएगा यहाँ पे नंबर क्योंकि दैट्स काइंड ऑफ डेंजरस. सो आई वुड जस्ट गो टू हिज इंस्टाग्राम और यू कैन ईमेल मी एंड देन नंबर्स कैन गो फ्रॉम देयर. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग रंजित, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू कि आप एक डॉक्टर हो. अगर आपको लगता है कि आप शेयर्स की मदद कर सकते हो एक वे में, सो मे बी दैट कुड बी अ ग्रेट थिंग दैट्स कम आउट ऑफ टुडे. आई एम सो ग्लैड कि आपने ये किया एंड आई एम सो हैप्पी. सो लेट मी ब्रिंग इन सम मोर पीपल नाउ बिकॉज़ वी हैव पीपल वेटिंग. वी हैव गॉट कीर्ति हियर. कीर्ति इज फ्रॉम नियर वॉशिंगटन डीसी, और शी इज फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी. हाय कीर्ति, हाउ आर यू? हाय, गुड. आई जस्ट वांटेड टू से श्रेयस, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग एंड विशाली, योर पॉजिटिविटी इज इन्फेक्शियस. अगर 10-15% positivity aapki mere paas hoti na, life would be amazing. So thank you so much for sharing your stories. It's a really good teaching experience or learning experience for us. Main bas thoda example dena chahti hu. My best friend yahan African American hai and usne shaadi ki 1-2 saal pehle to this individual. He was 6 years old 7 years old. Yeah, dirt biking hoti hai na, jo dirt tracks mein ya hills mein jaake aap wo scooter pe jaate ho, you know, he was doing that at 6 or 7 years old. It crashed, it went head over heels and he fell. He suffered a traumatic brain injury. He was in a coma for several weeks. Uske baad jab hosh aaya, he couldn't talk, he couldn't walk, and then he got extensive speech therapy, occupational therapy, physical therapy. Aur aaj wo hai 31-32 years ka. And उसका लेफ्ट साइड थोड़ा ड्रैग करता है जब वो चलता है. उसका लेफ्ट हैंड थोड़ा फुल फंक्शनिंग नहीं है एंड जब वो बोलता है तो थोड़ा रुक रुक के बोलता है वो. पर उसके बावजूद ही वेंट टू कॉलेज, ही गॉट हिज डिग्रीज, ही इज़ अ मैनेजर एट अ ब्रांच. एंड जब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहती, वो पहले कह रही थी मैंने किसी से कभी शादी नहीं करनी, लाइक आई डोंट वांट इट इन माय लाइफ, है ना. एंड जब उससे मिली तो वो कहती मैंने इस आदमी से शादी करनी है. एंड मुझे देख के इतना अच्छा लगा ना, आई टोल्ड माई मॉम, मैंने कहा कि देखो हमारे बंदे जो होते हैं, इसका नाक ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके दांत ऐसे हैं, यू नो, वी डू ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज लाइक लुक, यू नो, वो 100% लाइक फिजिकली एंड वर्बली वहाँ नहीं है जहाँ पहले था एज अ चाइल्ड, लेकिन वो कहती मुझे उसके फिजिकलिटी से क्या करना है, उसका दिल कितना साफ है वो देखो. एंड ही सो पॉजिटिव एंड उसके साथ मुझे अच्छा लगता है. So that was amazing. So I think Shreyas ne, I think last time video jab pe aaya tha, or maybe this time he said ki I want a relationship, pata nahi hogi ki nahi, who will love me. And aisa mat socho, like seriously, it sounds like a filmy dialogue, but there's someone there for everybody. And jo wo society kehti hai na ki aise like relationships nahi kar sakte, aur ye banda kaisa, ye bandi kaisi hai, like don't pay attention to that.
दैट वाज द वन. और एक तो फैमिली में मेरी मॉम का कजन है. आई थिंक ही वाज इन इंडिया इन द 70s व्हेन ही वाज बोर्न एंड हाई फीवर हुआ था उसको एंड दिस इज इन द 70s एंड वो हॉस्पिटल लेके गए जो मेरे मॉम के मामा मामी हैं एंड पता नहीं गलत मेडिसिन दे दी या कुछ हो गया एंड सिंस देन ही इज बीन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एंड यू नो सो ही इज नॉट देयर एंड वो इमिग्रेट उन्होंने किया टू अमेरिका इन द 90s एंड सिंस देन उनको प्रोग्राम में डाल दिया यू नो क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज हैं जैसे ऐसे लोग जो लाइक इंटेलेक्चुअली थोड़े डिसेबल्ड हैं या फिजिकली दे गेट थेरेपी दे गो टू स्कूल दे कैन वर्क. You know, they get money and they go to work so they can have. But I think that's the same in India. I think you do get support. I think Shreyas is also there is a, as we said before, that there's a quota in for people who with the working disabilities, but not for Vaishali, of course not, because Vaishali kyunki aapke saath aise hua hai, so then you're not born a certain way and it goes into those things. But let me just bring in some more people. Thank you, Kirti, for sharing. And you know, I think Shreyas and Vaishali, I hope you got a lot from that, because I heard a lot of good things. Shreyas, aap bahut smile kar rahe the, aap bahut smile kar rahe the, kyunki aapko pata lag raha ki you know जब वो होना है ना प्यार, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. वो प्यार ऐसा नहीं देखता कि बंदा कैसा है कैसा नहीं, वो प्यार देखता है, दिल देखता है. एग्जैक्टली, सो दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. ईशा, आर यू देयर? हाय एंडी, यस आई एम देयर. हाय ईशा, डिड यू हियर कि विशाली और शेयर्स की स्टोरी आपने सुनी? आपको कुछ कहना है? Hi. I'm Isha from London. I have a special need daughter who is 10 years old. So I'm a parent of a special need child. I was here. Maine ye Shreyash aur Vaishali ka suna hai. I want to say something to Shreyash. Shreyash, you are a differently able. Trust me, I am a mother of a special need child, so I can assure you, you are wonderful. Whatever you are doing the best. हर दिन जियो. पांच साल बाद क्या होगा वो मत सोचो. आज में जियो, हर पल एंजॉय करो, देखना लाइफ कितना अच्छा होता है. मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो हमें नहीं पता था कि वो शी इज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पॉल्जी. शी कान टॉक, शी कान वॉक और शी कान हेयर एक्चुअली. सो शी इज फुल्ली, शी ओनली कैन यूज हर राइट हैंड एंड राइट फीट जस्ट अ लिटिल बिट. So when we realized that she is not like other child, so we shifted in London because my husband was born and brought up in London. So I shifted from India to here. And then when we came here, immediately we went to pediatric and everything. So she was 2.5 years old. So we got all the facilities, all the supports from this country. For that, I'm really grateful and I'm really lucky to have that. So she was lucky enough to get all these basic things from the very early years, which helped her a lot. So अब क्या होता है ना, वो सुन नहीं पाती, पर उसका हम लोग जब आए थे तब पीडियाटिक ने बोला था कि उसके ब्रेन सिर्फ 25% ही वर्क करते हैं, और आज जब वो 10 ईयर्स की है, her brain is working 70% because she pushed herself that much. Wow, amazing. Yes, and Andy, I'm really amazed because the way she can't talk, but she has a special talker where she makes sentence and she convey her things, and that's with amazing. With one hand she tries to fold her clothes, she tries to help me in work, and the way she used technology like iPad and everything, nobody taught her. She learned by herself and she's using it beautifully. All this happened because of the school and the therapist and everything. And as a mother, kabhi kabhi main bhi thoda sa demotivate ho jati thi pehle, because she's my first child and when I was 21 years old she was born, so I was very young that time. सो मेरे लिए भी नया था कि ये क्या था, पर मैंने एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि शी इज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन.
मैंने क्या किया, मैंने मुझे जब यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि दिस इज द थिंग्स शी इज गोइंग थ्रू, शी इज सेरेब्रल पॉल्जी, क्वाड्रोपेटिक सेरेब्रल पॉल्जी, जो होता है कि हमारे पूरे बॉडी में 4 लिम्स होते हैं. सो उस मेरी बेटी जिसका नाम है अलीना, उसका 3 लिम्स काम नहीं करता, सिर्फ एक ही लिम्स काम करता है. सो मैंने सोचा कि ऐसे अगर है तो हाउ कैन आई इंजॉय माई लाइफ विथ हर सेल्फ. मैंने क्या किया, मैंने उसको एज अ नॉर्मल चाइल्ड मैंने ट्रीट करना शुरू कर दिया. शी कैन हेयर, बट मैं उसके साथ बात करने लगी नॉर्मली. वो सुनते सुनते वो कैच करने लगी, उसका ब्रेन काम करने लगा, वो अडेप्ट करने लगी वो सब वर्ड्स. सो व्हेन आई टॉक टू हर शी रिस्पॉन्स. That I realized. I mean, what is sound? I think, you know, at the end of the day, I think we have to understand that when someone can't hear, but at the same time, there's a lot of new technologies out there that people are understanding now. You know what? जो नहीं सकते ना, वो actually वो vibrations होते हैं. Exactly. And हम लोग ने जब कोई भी चीज कर सकता है, तो उसका earring test के लिए गए थे ना, so she was very young. उस उम्र में उसका react करना was very not clear. But the doctor said she can't hear 80%. But we had a doubt that she can hear. My daughter can hear in some, but the doctor was, because they have some technical things and they have some rules and parameter that this parameter we can hear this level decibel and all this. But now the school and me, we all realize that she can hear without the hearing aids very normally. That's great. So which doctor couldn't realize actually. And now she can hear. This is another thing, Aisha, that you're saying, that doctors are human. They don't know everything. Exactly. And I think every case is individual and we must take it individually. And I think it's a great message. But thank you, Aisha, for coming and talking. I'm going to have to go to someone else because right now we have lots of people. I just want to say one thing. Be positive and live your life. And if you have a special needs child or if you are a special person, feel positive and live your life the fullest. That's the thing. Thank you so much. That was Isha. Thank you very much, Isha. Let's go on to Happy Person is here with us. Hi, Happy Person. Hi. First of all, you guys, like we complain about small things at life. Like every day morning I get up and I complain that I have to work. I complain, like, this is all stupid things that we complain about, which is nothing in front of the idols like you guys. Like, I am literally like speechless. I had tears, to be honest, in my eyes when I heard stories of you guys, and I have all positive prayers for you guys, and you guys are amazing. Thank you so much for telling them that, because I think it's so nice to hear, right? You guys, Vaishali and Shreyas, अच्छा ना सुनने के लिए कि जब लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपको एक भोसा दे रहे हैं, एक बता रहे हैं कि you know, like, you guys are great the way you are, and you really are, and I'm so happy. Thank you, happy person, for telling us, and I'm gonna go to JD now. Hi JD, how are you? Welcome. We can't hear you because I think you're off, but I'm going to unmute you now. Hello, how is doing? Yes, we're good. So have you been listening? Yes, we can hear you now. Yes, I have been, and I got goosebumps, Andy. I got goosebumps. I literally am so overwhelmed by what these people are. I'm the kind of person, I start writing my will when I get a common cold. I'm like, I'm going to die. You know, I complain about sickness. Even I'm a very positive person, but I, you know, I'm to my husband, I'm like, main mar jaungi, ab to main marne wali hoon. And to hear you guys, it puts me in so much shame. Oh my goodness. Mm-hmm. You know, I have a grandson who's diabetic. He was diagnosed at age 4, and at age 2, and he's 6 now. And my son always told me, Mom, because I was so devastated. Malum, all my life, I would pray,
कि अल्लाह किसी को भी डायबिटिक मत बनाना. एंड टू सी दैट माय द वन चाइल्ड दैट आई लव सो मच ऑफ माय लाइफ ही हैड इट एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसे हुआ क्यों. एंड माय सन ही सेज मॉम नॉर्मलाइज इट, इट्स नॉर्मल फॉर हिम. So you have to normalize it for him. Don't treat him like a, you know, an individual that is different. He's not different in his way he is, but he's still normal in his self. And that's what I hear from you guys. I my hat's off to you guys, right? I mean, the way you take these things, the positive twist you put on everything, Shreyas and Vaishali, hats off. I think that's the most important thing here because these two, they don't realize it maybe, but Shreyas में मैंने देखा था उस दिन ही जब उसने थोड़ी सी मेरे से बात की थी, मैंने उसमें एक चमक सी देखी, एक स्पेशल पन देखा जो उसकी पर्सनैलिटी से उभर उभर के निकल के आ रहा था. तो मैंने ये पूरा शो इनको डेडिकेट किया था, वैशाली का तो बाद पहले से मुझे पता था, पर इनफैक्ट आई डिडंट रीड हर ईमेल एट ऑल अंटिल आफ्टरवर्ड्स. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई एम गोना ऐड वैशाली आल्सो. सो थैंक यू अगेन जेडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. आई एम गोना टेक समवन एल्सस कॉल नाउ बिकॉज़ आई एम गोना गो ऑफ सो सम अदर can come in. Andy, good job. Great. As usual, hats off to you too. Bye. My pleasure, this is what we're here for. So yes, welcome to, we have lots of amazing people here. There's lots of people waiting. So we have Abhinav, we have Gayatri, we have Odi, we have Mokshita is here now. Mokshita has been trying to get here. Anjali, Anjali, I'm gonna go to Anjali first because Anjali's been here for a while. Hi Anjali. Hi Andy. How's it Hi, going? Hi everybody. Everything is good. First of all, I'm really glad you picked up this topic. And Shreyansh and Vaishali, oh my God, you guys are so inspiring, so inspirational. You guys are so strong. Like, mere life mein kuch choti si bhi cheez ho jati hai, and I'm like, you know, I get so depressed, so hopeless that, you know, what is happening with me? And you guys are so inspirational, so strong. And Shreyas yaar, matlab I just want to say that, you know, I followed you on Instagram and I expect to know you more with more of your posts. And you know, about the love thing, just be yourself, and you know, the people who deserve you, they will come into your life automatically. So don't worry about it, okay? You will find love, okay? You will find your people, that will happen for you. And the thing that Vaishali mentioned, I could somewhat relate with it because the same thing happened to like my mother. Not the same, but like sort of the same, because my mom had, like, when I was in my 12th grade, in my 12th board, my mom had an accident. And initially, like, we didn't understand that, you know, it was a major thing. It was just that, you know, she had some bruises and we thought it's just some bruises and, you know, they're just gonna go away. But what happened is that later, like in 2 or 3 months, suddenly, like, my mom started having, like, this clotting started happening inside her blood. So some nerve was, you know, kuch aisa koi nas jo hoti, kuch nerve dab gayi thi jiske wajah se pata nahi kya hua unke body mein clotting hona start ho gaya. And then, like, my mom lives in a smaller city, to wahan pe itni zyada advanced medical facilities nahi hai. So the doctors she consulted, she went to like 2-3 doctors, and they all, you know, gave a different treatments, and none was right, nothing was right. So, you know, the thing about doctors in India is that when you go to like smaller towns, अगर उनको नहीं पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, दे आर अनेबल टू डिटेक्ट इट, दिस विल स्टिल, यू नो, गिव यू सम काइंड, वो बस अपना बिल बढ़ाते हैं. दे डू नॉट, यू नो, दे डू नॉट केयर अबाउट द पेशेंट. दिस इज़ द हार्श रियलिटी. वो आपको गलत सलत दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि मेरी मॉम को 3-3 डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, जिस जो जो टेस्ट उन्होंने बोले हमने सारे कराए, बट माई मॉम, they couldn't detect what was the problem, and वो तुक्के लगा के उनको medication देते रहे. उससे क्या हुआ, मेरी mom का जो food system था, वो food pipe जो होती है उसमें पूरे में ulcers हो गए, वो उसमें छाले पड़ गए. मतलब she was not able to eat anything because वो गर्मी इतनी थी गोलियों की, और वो गोलियाँ गलत थी, तो it, you know, it had
ऑपोजिट रिएक्शन ऑन माई मॉम्स बॉडी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ उनका कि जैसे जैसे वो क्लॉटिंग को डिटेक्ट कर नहीं पाए वो लोग कि क्लॉटिंग हो रही है एंड दे डिडंट नो दैट. तो वो क्या हुआ कि मेरी मॉम के जो फुट होता है मेरी मम्मी के लेफ्ट फुट में धीरे धीरे इट स्टॉप्ड वर्किंग. मतलब माई मॉम कुडंट कीप अ फुट ऑन द ग्राउंड. वो रोने लग जाती थी. अगर हम पहले हमें लगा कि शायद मतलब हो सकता है कुछ मतलब थोड़ा मुड़ वुड़ जाता है पैर उसकी वजह से है. एंड वी यूज टू ट्राई टू मेक अ स्ट्रेचर लेग एंड यू नो कीप इट ऑन द ग्राउंड प्रॉपरली. तो वो रोने लग जाती थी लिटरली. देन वी लाइक यू नो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि एक बॉम्बे में बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे मतलब डॉक्टर कुछ मतलब स्पेसिफिक टेस्ट बताए. देन वी डिड गॉट दोज टेस्ट डन एंड हमें मतलब बॉम्बे से रिपोर्ट्स आई. उसमें हमें पता चला कि मॉम को ये क्लॉटिंग वाला प्रॉब्लम है. तब तक मेरी मॉम की इतनी ख़राब कंडीशन थी कि शी कुडंट वॉक एट ऑल. वो बिल्कुल नहीं चल सकती थी. वो कम्प्लीटली लाइक वेज डाउन. शी वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज एंड हम उन्हें पकड़ पकड़ के वॉशरूम तक लेके जाते थे. एंड वी वर लाइक किड्स. मेरा भाई तो बहुत ही छोटा था. इज लाइक 7 years younger टू मी. आई वॉज द एल्डर वन एंड माई फादर वॉज पोस्टेड ऑन द बॉर्डर्स. तो पापा भी नहीं आ सकते थे और मैं अकेली थी घर में. और माई मॉम यूज टू यू नो हम तो सो जाते थे. But my mom used to like one day I woke up in the middle of the night and I saw my mom was sitting in front of the temple. हमारे घर में जो मंदिर था उसके आगे बैठी थी and she was crying and I didn't get it. मैंने पूछा फिर मम्मा से. मैंने मतलब she said कि नहीं नहीं जैसे मेरे को देखा तो आंसू पोंछे और मेरे को बोला कि सो जा करिए कुछ नहीं कुछ नहीं. And then like after that she was brought to Delhi. दिल्ली में उनका ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में उनका सबसे पहले ऑपरेशन हुआ. उनका जो हीमोग्लोबिन था इट वॉज 5. हमारा मतलब 5 इज लाइक टू लो. एंड द पीपल देयर द डॉक्टर्स दे सेड दैट यू नो इट इज अनबिलीवेबल दैट दिस वुमन हैज कम लाइक शी इज अलाइव. दे वर रियली शॉक्ड दैट शी वाज अलाइव एट यू नो 5. हीमोग्लोबिन का पॉइंट था उनका. देन लाइक माय मॉम वेंट थ्रू अराउंड लाइक 1 year तक वो हॉस्पिटल्स में ही रही एक ILBS में. देन शी वाज शिफ्टेड टू रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो हमारा आर्मी का है. Then she was shifted there and abhi bhi my mom like but now by God's grace everything is fine. She can walk properly. Unka dheere dheere clotting chala gaya and she like takes proper medication. Unka chalta hai jo unki blood ko jo hai wo thinning se matlab rokta hai. And उनकी बस ये कि मेडिकेशन उनका हमेशा चलेगा लाइफ लॉन्ग. शी कम्स टू दिल्ली एवरी 6 months. मैं उनको लेके जाती हूँ साथ में हॉस्पिटल. एंड बिकॉज ऑफ अभी कोविड की वजह से तो नहीं आ पाई बट अभी वो शी इज लाइक कम्प्लीटली फाइन. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से टू वैशाली दैट यार ट्रस्ट मी यू विल बी फाइन सून. धीरे धीरे करके मतलब यू विल फाइंड योर वे. वो ठीक हो जाएगा. आप प्रोसेस में हो. Trust the process, it will work. And to Shreyansh, I want to say, just trust scientific developments, bro. धीरे धीरे करके मॉडर्नाइजेशन साइंस की हो ही रही है. एंड समथिंग एवरी डे समथिंग हैपन्स. सो जस्ट हैव द फेथ. जरूर कुछ ना कुछ आएगा जिससे मतलब योर लाइफ विल गेट बेटर एंड यू आर डूइंग अमेजिंग. आई थिंक दैट ऑनेस्टली आई एम गोना जंप इन हियर अंजलि. आई थिंक ऑनेस्टली दिस आइडिया दैट इमीडिएटली something can be done and that will help you. I don't agree with this. I am throwing this out there. I think this too. One second, Anjali, let me finish. So, Vaishali is a different case because I think medically unke saath kuch hua tha, so shayad medically that is a route that I think Vaishali can take. But I think with Shreyas, it's not about medically. There's nothing medically wrong with him. In the way that he is born in a certain way and he has certain things with him that are not fixable through medicine. I think that with Shreyas and Vaishali, they're two different sides of the coin. So I don't think that Shreyas ko bilkul bhi aise sochna chahiye kuch aise aise. Haan, ho sakta hai ki aapka journey aasan aur ho sakta hai alag alag patron se. But I don't think that aapko aisa sochna chahiye ki koi doctor mujhe koi theek kar dega. Kyunki aisa ho nahi sakta. And I think that aapko na sochna bhi nahi chahiye ki aapko aise so. Main keh raha hu ki jaise ho waise aap theek ho. Aap aise hi aage badho. और अगर बाद में जैसे अंजलि कह रही कि कुछ कुछ आपके लिए बेहतर हो सकता है तो होता रहे. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट थैंक यू अंजलि. आई एम गोना पुट यू इन द वेटिंग रूम राइट नाउ. आई एम गोना ब्रिंग समवन एल्स इन. एक्चुअली यू कैन स्टे इन हियर. इट्स फाइन. नो प्रॉब्लम. ब्रिंग यू. आई हैव गॉट ओडी वेटिंग. आई हैव गॉट अभिनव. गांधी इज बीन वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड गायत्री इज ऑल्सो वेटिंग. सो गायत्री एंड अभिनव आई एम ब्रिंगिंग इन टुगेदर. गायत्री हेलो वेलकम बैक. पहले तो सारी जो औरतें हैं गर्ल्स हैं उनको मैम मत बुलाया करो.
मैं आपको थोड़ा एडवाइस देता हूँ, अगर आई लव यू आप बोलो थैंक यू, मैम मत बोलो, मैं आपको बस एडवाइस है ब्रो टू ब्रो, गर्ल्स आपको ना हाय हेलो के भी मैम मत बोलना, ठीक है? सुंदर बोल रहा होता है आप टोक क्यों देते हो? I'll deal with you later, but Shreyas, I love you. I love your smile. And mm-hmm. I have heard from a little bird that you're a big, big cricket fan. So is that Virat Kohli behind you? Have you painted that? No, that is a sticker. Oh, meko dikhati de raha yaar. Haan, achcha, achcha. Okay, okay. I hope you meet him some. I am a big Virat Kohli fan. Big Virat Kohli fan. And Dhoni fan. I hope to meet him someday. I really hope. और मुझे बस एक ही बात बोलनी है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. You guys are real example of this. Hats off to you guys. Just to share quickly, because I know a lot of people want to talk to you. Share, you are a celebrity. This left hand is mine. I have an injury on my, khoni se lekar hand mein. So I was on sling for last 10 days. I've been removing the sling just to work. Stay there. Sorry about my dog. So, mujhe itna helpless feel ho raha tha. Ek glass nahi utha pa rahi thi main. Abhi maine phone bhi isi se hold kiya hua hai. Because I can't move my hand below the wrist. Because my thumb is not working properly. I can't type on the system much. I have to take, regular breaks so that I don't give a lot of stress to my hand so that it's healing properly. लेकिन जब मुझे ये सुनने को मिला ना आप लोगों, पहले तो मैं रो रही थी शायद, पहले तो तुमने सेंट ही कर दिया, फिर जब वो तुमने बोला ना जाके गॉड से पूछ लो, ओहो मेरे को इतनी हंसी आई, इतना ह्यूमर है. तो जब मुझे इतनी सी चीजें अफेक्ट करती हैं और जब मैं आप लोगों को देख रही हूँ गाइस, सो आई थिंक आई फील रियली ओवरवेल्म्ड एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर व्हाट आई हैव एंड आई रियली रियली प्रे दैट यू गेट ऑल व्हाट यू डिजर्व. तेरी सेलिब्रिटी से शादी हो जाए यार, तुझे हम वीरू भयानी के पोस्ट पे देखे एंड शादी में नाचे. भगवान से प्रे करूंगी कि यू गेट ऑल द हैप्पीनेस इन व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ, चाहे वो कितना भी उस लेवल का भी हो, तुम्हें सब मिले, सब कुछ मिले. आई वुड रियली रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर स्प्रेडिंग सो मच पॉजिटिविटी हियर टुनाइट एंड एंडी आई लव यू टू समटाइम्स टू डू दिस टू अस टू गेट अस टू मीट न्यू पीपल. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके गायत्री, लेट्स गो अभिनव. अभिनव आपको कुछ कहना है? या एंडी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं थैंक यू बोलूंगा. विदाउट आपने व्यूअर मतलब वॉचिंग को छोड़ के आपने इतना सेंसिटिव टॉपिक को टच किया, थैंक यू सो मच. एंड श्रेयस एंड मिशाली, आई एम अ वेरी इमोशनली स्ट्रांग पर्सन और एंड इफ यू मेड मी क्राई देन अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन अकॉर्डिंग टू मी. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस. Secondly, I also have a sister who is suffering from thalassemia, all that blood transfusions, hepatitis B to maintain hemoglobin at 10, all that, whatever is there. So we never treated her as a normal child or abnormal, never. We treated always as a special. और यार आपको दुनिया से क्या करना, भाड़ में जाए, आपकी फैमिली आपके साथ है ना, फैमिली खुद जवाब दे देगी, तुम कौन होते हो ऐसे बोलने वाले यार. जस्ट बी विद योर फैमिली एंड लिसनिंग टू यू बोट, आई जस्ट रोट समथिंग फॉर यू, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक हियर. ओके, सो आई हैव रिटन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. This is a story of each and every disabled one. I think about my goal every single night. I lay in bed wondering what I can do to change this world upright. I cannot be a swimmer or a singer too, nor can I be a dancer for TV views. But then I think harder. There must be a goal I can do. It may be a different to others, but to me it's very true. I can show the world about people like me. People who may not be able to walk or speak, but this is my goal. Sharing my life story to others, opening their eyes to show what I can do, and maybe my goal will touch people's heart and soon treat the disabled like everybody else. So this is my feelings for you people, and hats off to you guys. Thank you so much, and hats off to you. And listen, thank you.
According to me now, I would just like to go and thank you. You are an idol for me, you know. You have motivated me so much. I'm trying to control my tears even right now. Thank you so much and God bless you. And you may succeed in your future. Thank you so much. Thank you so much. That's such a sweet, sweet message and a lovely message for you there, guys. I am so glad that you're getting to hear from all these amazing people. Hi, Mokshita. How are you? हेलो भैया. हाय एवरीवन. मैं आपसे आपसे मिलने का मौका मिले इतना खुशी हो रही है मुझे. हेलो. मैं बात करना चाहती थी, जैसे मैं थैलेसीमिया में मेजर पेशेंट हूँ. सो थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जिसमें हर 15-20 डेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले जाना होता है. एंड प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इस डिसऑर्डर की अभी तक अवेयरनेस इतनी है ही नहीं. मतलब बहुत ज़रूरी है कि जैसे न्यूली वेड्स होती है या शादी से पहले HBA2 टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पता चल सके कि यू आर अ नॉर्मल और अ थैलेसीमिया माइनर. अगर टू थैलेसीमिया माइनर अगर की मैरिज हो जाती है तो मेजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उसकी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है. प्लस अभी जैसे वैशाली जैसे बता रही थी, कोटा जैसे रिजर्वेशन नहीं है, सेम वैसे थैलेसीमिया कभी नहीं था. 2016 में आया, बहुत लेट आया. एंड आया ये अच्छी बात है, बट उस लॉज में भी पूरा ही नहीं लिखा हमारे लिए कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी. पूरा सस्पेंस है. मतलब एजुकेशन का लिखा है क्लियरली, पर जॉब का नहीं लिखा. वैसे सेम हीमोफीलिया का भी मेंशन नहीं है. मतलब ठीक है, अपडेट आपने करा पर पूरा करना चाहिए था, वो भी नहीं करा. अवेयरनेस यहाँ बिल्कुल नहीं होती. एंड प्लस फैमिलीज जो हैं, मैं कहूँगी ब्लड डोनेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए. मतलब अगर हमें ब्लड नहीं मिला तो शायद हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. सारे उस पर डिपेंडेंट हैं हम. जैसे कोविड का भी टाइम था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ब्लड बैंक्स में शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई थी, सब प्रेशर हम पेशेंट्स पे आ गया था कि जब तक डोनर नहीं आएगा हम ब्लड नहीं देंगे. एंड डोनर्स मिलना इतना मुश्किल हो गया था हमारे कोविड टाइम पे. कितने सारे फ्रॉडी से सामना करना पड़ा, जो पैसे लेके भाग गए, डोनेशन नहीं करी, जो वादा करते थे बीच में छोड़ देते थे. मतलब इतना ज़्यादा हमने स्ट्रगल देखा है ना कि जब तक डोनर नहीं मिलेगा ब्लड नहीं देंगे. और डोनर भी हम आ नहीं सकते, हमें लेने आओ, या फिर एंड मोमेंट पे कैंसिल कर देते थे. मतलब इतना ज़्यादा हमने कोविड टाइम पे फेस करा, हमें लगता है कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ही सही में. और जैसे अभी जैसे मैंने रिसर्च भी करी है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसमें भी मैंने कितने लोगों से इंटरव्यू लिया. बहुत मैंने सोचा कि मेरे को रिसर्च करने का मौका मेरे कॉलेज में मिल रहा है तो मैं इसी पे करना चाहूँगी, ताकि मैं जो प्रॉब्लम्स हैं ना जो नहीं बाहर आती वो उसमें निकालूँ. मतलब दिखाऊँ कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं. कितने लोगों से मिली, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि 80s में, 70s में, 90s में इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता था कि किसी भी लोगों की थैलेसीमिया है क्या. जिसकी वजह से ना इतना लेट हो जाता था ना पता होना. कई लोगों ने अपनी लाइव्स भी लॉस कर दी इस वजह से. ऊपर से लोगों के सुपरस्टिशंस और चलते हैं, ये तो पिछले जन्म की चीज़ें हैं, ये तो पिछले जन्म के पाप है, तभी तुम्हें ये हुआ है, यू नो. फिर और लोगों के ये सुपरस्टिशियस जो पूरा आइडिया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. बोला जाता है बहुत बार के पिछले जन्म के पाप की वजह से ऐसा वैसा. ये भी बहुत ही मतलब अलग टाइप की सोच है जो शायद ऐसे नहीं होना चाहिए, पर इट्स द काइंड ऑफ लैंड वी लिव इन. आई एम सॉरी वैशाली, आपका माइक ऑफ है. सुपरस्टिशियस का जो है ना, ये मोस्टली आई थिंक इंडिया में ही है, बाहर भी होगा बट इंडिया में ज्यादा ही है. हर डिजीज को ये लोग सुपरस्टिशन से जोड़ सकते हैं, कि जोड़ देते हैं कि इसको कोई पूजा कराओ तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर्म थे तो ये मिला है. आई डोंट गेट इट व्हाई इट्स हैपनिंग. बाबाओं के पास ले जाएंगे, पंडितों के पास लेंगे कि इनके इनसे ठीक होगा. मतलब क्या लोगों की सोच है सही में. पैसे कमाते हैं वो लोग भी, मतलब कुछ रियल उपाय करने वाले हैं नहीं. ठीक है पंडित के पास जा रहे हो, कुंडली दिखा दे, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट जो ये पूजाएं होती हैं, बाबाओं के पास जाना होता है, उनको जो मनी देना होता है या फिर जो भी उनकी टुपिट से डिमांड होती है पूरी करनी है, ये सबसे ज्यादा इंडिया
में ही है, और आई थिंक इंडिया में ही इस वजह से लोगों को भी बहुत ठगा जाता है इन सब बीमारियों को सुपरस्टिशन से जोड़ के. Okay, you guys, I'm gonna bring in Odie right now from Pakistan. Hi, Odie. Hello, Andy. How are you? I'm good. How are you doing? I'm good. So, आपने सुना है कि हमारी इतनी amazing stories हमने सुनी हैं about Shreyash, about Vishali, Mokshita also. आपको कुछ कहना है इनको या फिर आपको कुछ शेयर करना है अबाउट डिसेबिलिटी, शायद पाकिस्तान में कैसे लोग ट्रीट करते हैं, maybe. श्रेयाश, यू आर अ रॉक स्टार. आपने मुझे इमोशनल किया, आपने मुझे हंसाया, आपने मुझे इंस्पायर किया. विराट कोहली के जो पीछे आपने स्टिकर लगाया हुआ है उसमें हार्ड वर्क नजर आया, उसमें सक्सेस लिखा हुआ नजर आया, उसमें ड्रीम्स भी नजर आए. सो यू आर रियली इंस्पायरिंग. प्लीज बी हैप्पी. यू से ना आई एम नॉट हैप्पी. जो आपने अपने प्रॉब्लम्स बताए वो हम सबके प्रॉब्लम्स है. ये जो हम बोलते हैं ना नॉर्मल, एक्चुअली नॉर्मल इज बोरिंग. Nobody is perfect, and perfect is very boring. Human is beautiful. You are human, I am human, everybody is human. And we are like that. जैसे एंडी ने बोला ना, सभी पागल है. So be happy. ये छोटी छोटी struggles, चाहे वो दोस्त बनाने के हो, चाहे वो लोगों के क्या नाम है ऊंचा बोलने से हो, ये सबके साथ हो रहा होता है. So you can calm down. वो मुझे पता है कि आपके लिए trouble होता है. मैं एंडी share करना चाहूंगा, मैं जिस सोसाइटी में बचपन में रहता था तो वहाँ पे एक फैमिली आई, उनके आंटी का नाम था परवीन और वो स्कूल में टीचर थी. तो उनका बेटा था, उसका नाम था इमरान और ही वॉज अबाउट 13. तो उन्होंने मुझे कहा जी कि इसको ट्यूशन दे दिया करो, बिकॉज आई वॉज गुड एट स्टडीज. तो वो सुन लेते हैं जी कि ये बच्चा अच्छा, शाम को जरा हेल्प कर दिया करे हमारे बच्चे की. मैं खैर उसके पास गया तो जब पहले उसकी मदर आई उनके ड्राॅइंग रूम में और उन्होंने मुझे उसकी कॉपीज दी तो वो 6th स्टैंडर्ड की थी. ठीक है, मतलब एज का और उसके क्लास में डिफरेंस मुझे नजर आया. तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा थोड़ा स्पेशल है. शी डिडंट से, मतलब नाउ आई कैन फिगर आउट कि जैसे श्रेयस को एक बाय बर्थ आप कह लो कि थोड़ी लिमिटेशन फिजिकल होती है, वो उस तरह का केस था. मुझे उस वक्त लगा शायद वो ऑटिस्टिक है, लेकिन नहीं, शायद वो ऑटिस्टिक ऑटिज्म का इतना लेवल नहीं था, थोड़ा उसकी फिजिकल लिमिटेशंस थी. वो बच्चा मेरे पास आया, ही वॉज टॉलर देन मी. ठीक है, और लेकिन पढ़ाना उसको छोटे लेवल का था. मैं उसका अभी देख ही रहा था और सडनली मैंने देखा कि वो मेरे पाँव के पास है. वो मेरे पाँव के पास जा बैठ गया और कहता है मियाऊ. तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा क्या नाम है उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी बिठाने के लिए थोड़ा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा. तो शायद ओडी, आई थिंक मे बी यू टॉकिंग दैट समवन इज मेंटली, वो शायद मेंटली उनकी एज बहुत कम थी. यस यस, दैट इज द थिंग. तो वो उसकी डिसेबिलिटी उस लेवल की थी, दैट इज व्हाई आई सेड कि वो ऑटिज्म में आता है. तो वो क्या नाम है, जब वो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो मुझे एक कंट्रोल मेरे ऊपर एक्सरसाइज हुआ कि कहीं, क्योंकि जब हम एक बच्चे को पढ़ाएं और वो अंडरस्टैंड ना कराओ तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी होती है और आपकी अपनी एज एन इंडिविजुअल अपनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है. क्यूडोस टू हिज मदर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. और एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप खुद टीचर हैं, प्लीज टीच हिम योरसेल्फ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मैं खुद बहुत यंग हूँ, कहीं मैं उस तरह से इसको शायद डील ना कर पाऊँ. और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की जिसके बाद सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने कहा उमर मैं उसकी माँ हूँ, मेरी बात वो प्यार की हद तक सुन सकता है. जब मैं पढ़ाने पे आती हूँ या उसके बाद मैं उसके साथ सख्ती करती हूँ वो नहीं सुनता. उसका बाप आर्मी में था, हम लोग आर्मी फैमिली से तो वो सारे इकट्ठे हैं. तो मैं समझ गया उनकी बात को कि आपको समटाइम्स एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन चाहिए होता है ताकि वो बच्चा सोशली अपने आप को वैलिडेट भी समझे और वो बंदे की बात समझे भी. तो डेफिनेटली वो स्ट्रगल तो रहती ही है. तो श्रेयाश आपको, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी ज्यादा अच्छी है कि हम में से जो पैनल में भी बैठे हुए ना उनसे भी ज्यादा अच्छी है. एंडी कैन वाउच फॉर इट कि शायद हम अपने कंफ्यूजन में इतने रहते हैं लेकिन आप बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखते हो. और वैशाली यू आर अ सर्वाइवर, यू आर अ फाइटर, यू आर सच एन इंस्पिरेशन. आपने अपने इतने बड़े ट्रॉमा में भी अपने आप को आगे रखा है. और जो लोग बोलते हैं ना नॉर्मल हो जाओगी, नॉर्मल हो जाओगी, पीपल हु थिंक दे आर नॉर्मल दे आर नॉट नाइस, दे लर्न टू बी नाइस, यू आर वेरी नाइस. तो आप अपनी पॉजिटिविटी से ही और अपने एक्शन से ही उनके मुंह बंद कर सकते हो जैसे आप कर रहे हो. एंड श्रेयस सेम टू यू, आपकी वजह से हमें इतनी पॉजिटिविटी आती है रियल लाइफ के अंदर भी. तो जो आपको है ना कि जी फ्रेंड सर्कल शादी, यू विल, वो लड़का उसकी शादी हो गई भी, उसका बच्चा भी है, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है जिसकी मैं भी एग्जाम्पल दे रहा था, मैं उसकी शादी में भी गया हुआ हूँ.
सीरियसली उसके बेटे का नाम भी मुझे पता है तो रिलैक्स आई हैव टू ब्रिंग समवन एल्स इन नाउ बिकॉज़ सम पीपल आर वेटिंग सो आई हैव गॉट प्रियांश प्रियांश आर यू देयर एंडी हाय एंडी हाउ आर यू हाय प्रियांश हाउ आर यू डूइंग आई एम फाइन श्रेयांश कैन यू बी माय फ्रेंड आई एम आस्किंग यू कैन यू बी माय फ्रेंड श्रेयांश Yes, I would definitely. Love to have a friend like you. Yes, definitely. And why not? You are a gorgeous person. Thank you. And amazing. And Vaishali, you too. So Priyanshu, ये जो इनका मैंने शेयर किया था इनका Instagram, you can follow him and maybe you guys can be friends on Insta for now. And I'm so glad you came and you chatted. I'm going to move on to Aparna right now. You're still on, Priyanshu, but I'm just going to Aparna also. Hi, Aparna. How are you? Hi, Andy. Hi there. How's it going? Everything is good. How are you? Great. Go for it. They're there for you to speak to. Yeah. First of all, Shreyaj. Sorry, Shesh, you're so cute. Your smile is so good. And aaj bahut rulaya yaar, aaj bahut rulaya tumne. Sorry. Ab haas rahe ho tum. Lekin mujhe bas ek baat bolni thi aapse. Yaar itna matlab comparison karna chhod do aap. मैंने फेसबुक और इंस्टा देखना बंद कर दिया क्योंकि जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो ना आपको अपनी लाइफ इतनी डर लगती है हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं जब इंस्टा पे लोग वो रियल है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी वो सब मतलब कोई थोड़ी अपनी रियल प्रॉब्लम हमेशा बताएगा आपको कंपेरिजन करना बंद करो और फ्रेंड्स की जहां तक बात है हम हैं आपके साथ और आप रिक्वेस्ट भी डाली है अब एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो तो आप पे अब पता नहीं आपने सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है अब तो सेलेब बन चुके हो अब तो सेलेब बन चुके हो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे कभी नहीं कंपैरिजन करना ही है ना तो अपने ही स्टेट से करो कि आज कल जो मैंने किया था और आज जो मैं बेटर इंसान बना हूँ कि नहीं हूँ बना हूँ यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ दैट तुमने कल 2 एक्सरसाइज करी थी और आज 3 करी है देन यू आर बेटर पर्सन एंड यू डोंट हैव टू कंपेयर इट टू एनीबॉडी एल्स और अगर कंपेरिजन रखना ही है तो ये इस चीज का कंपेरिजन रखो यू गॉट सो मच जो मतलब जितना तुम्हारे जितना लोगों के पास नहीं है वही 100 लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं कुछ ऐसे इलाज होते हैं जो उनको इतने लेट पता लगते हैं कि उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर सिटिंग हियर यू आर टॉकिंग विद अस मतलब लाइफ में ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है और कंपेयर करो तो ये करो कि आई वॉज दिस पर्सन यस्टरडे एंड टूडे आई एम दिस पर्सन तुम कल अपनी स्टोरी सबको नहीं सुना रहे थे आज तुम अपनी स्टोरी पूरे वर्ल्ड को सुना सकते हो तो आई थिंक यू शुड कंपेयर इट एंड यू शुड बी हैप्पी Yes. Great. That's a great point, and I think that's a great place to finish the show. I think absolutely everyone should be happy, no matter where you are in the world, and no matter how differently abled you are. I want to end it on. Actually, na sabne apni stories share kari hai ki kisi ke family member ke saath kaisa hua aur kaisa hua. There are only Shreyas and me who are going through this in a different manner. So I would just want to say my last line. There was a time when I was literally died. मेरे एक ऑपरेशन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी एंड आई लॉस्ट माई ब्रेथ दे केम बैक आई केम बैक टू लाइफ एंड आई रियलाइज्ड कि जो जिंदगी है ना वो आज में है कल में नहीं है और जो बीत गया उसमें भी नहीं है तुम्हें रोज एक चीज करनी है दैट इज बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ अपनी जैसे मैंने श्रेयस को कहा अगर मैं आज क्रिप करूंगी कि मेरे साथ ये सब हुआ है तो आई थिंक मैं कल ठीक नहीं हो पाऊंगी व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू बी ग्रेटफुल जो चल सकता है जो नहीं चल सकता या किसी भी डिजीज से गुजर रहा है उसको ये देखना है कि वो उस चीज को बेटर कैसे कर सकता है और अगर आप जी रहे हो आप मतलब लाइव हो तो आई थिंक गॉड हैज
सेंट यू टू मेक योर लाइफ बेटर, क्योंकि ताकि आप में ही इतनी ही स्ट्रेंथ है कि आप आगे जाके ठीक हो सकते हो, तभी भगवान ने आपको ये दिया है. वो है ना, गॉड हैज गिवन हिज टफेस्ट बैटल्स टू हिज टफेस्ट सोल्जर्स लाइक दैट. तो वो इसलिए ही है, हम गॉड के स्पेशल चाइल्ड हैं, तभी उन्होंने हमें दिया. उनको पता है ये जो कंधे है ना, ये सब संभाल लेंगे. So you just have to be grateful for that. So that's it, yes. So the toughest battles are the toughest soldiers. I think Aparna, I'm sorry, but I'm going to have to finish this, otherwise it'll never finish. Otherwise we can just say one last thing for... But I think I'm going to give the last line to Shreyas, because we started with him and we're going to finish with him. So I hope you don't mind, Aparna. Go for it, Shreyas. सर मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, दिस इज लाइफ, इट इज व्हाट इट इज, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. करेक्ट, ग्रेट. सो आई होप के ऑल्सो जस्ट मूव ऑन टू बेटर प्लेसेस, बेटर मेंटल प्लेसेस, बेटर प्लेसेस इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर लव लाइफ. Absolutely. Okay, guys, thank you very much for being here. I think that it's an amazing thing that ki aaj humne aise baatein ki hain jahan pe dil khol ke baatein ki hain bahut sari cheezon ke upar jo bahut important hai. And I'm so glad ki Shreyas and Vaishali ne apne stories yahan pe achhe tarah se share kiye. I just forgot to say this. Vaishali nahi ho sakta, Vaishali aur nahi bas kar nahi to pata kya hai tu na tu 3 din baad bolegi are ye bhi bolna tha yaar mujhe phone nahi. Actually it is like ki maine apna business khud shuru kara after getting in this state from last year. Just I have to say that ki ha maine matlab haar nahi mani, ye to pata hi chal gaya hoga, but maine apna business bhi shuru kiya whether I can't continue my studies. So I just have to say to all the women and all the disabled, you can do much more things whether you are sitting here at home. Yes, correct. Great. Thank you again. हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से कम नहीं है. हम किसी से कम नहीं है. I like this. But that's everyone's motto, yeah. That's वो तो सबकी motto है. So that's what I'm saying. We are all the same. We are all human. We are all living on this earth, and let's make the best, you know, life we can with whatever cards we're dealt. Let's make it the best life, and always remember that whatever happened today, it'll get better tomorrow, and everything finishes much better than it ever started. It's just the way of life, and that's the positivity I'd like to imbibe in you and let you know that life has so much to give you, or and to all of us that are watching, that are at home, just understanding. Vaishali started a business. Shreyas is going to go on to marry a celebrity. And I'm going to finally finish the show today after 2 hours. So thank you for watching. Please like, subscribe, and comment. We're going to go on to the after party now. And sorry, but everybody can't join. Only the last 10 people who are in the studio can join. So bye-bye, everybody. Take care of yourselves.